आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा, कंसाइनमेंट। और कंसाइनमेंट में हमने काफी सारे टॉपिक देखे थे, ठीक है। एक बार आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिकॉर्डिंग जरूरी है उन टॉपिक्स की, ठीक है। आर्यन जैसे तुम नहीं थे ना पिछली क्लासेस में, तो एक बार ना मैं एक छोटा सा यहाँ पे रिकॉल कर रहा हूँ, उसको देखना। तो कोई ऐसे कोई खास वो नहीं है कि भाई तुम्हारे उसके बिना नहीं हो पाएगा, है ना, तो चेक करना। आइए लो बेटे शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कंसाइनमेंट में कि भाई ये है टोटल चैप्टर, मैंने आपको पूरे चैप्टर का एक ग्राफ बनवाया था। ये थ्योरी के क्वेश्चंस हैं लेफ्ट में। थ्योरी क्या है, बेसिकली न्यूमेरिकल का एक बेस है। इन चीजों को समझ में आना बहुत जरूरी है, यानी कि एट द एंड ऑफ चैप्टर आपके पास इन सब का आंसर होना जरूरी है। और ये हम लोग क्या कर रहे थे बेटे, ग्राफ पे सारी बातें कर रहे थे, ठीक है। फिर मैंने आपको एक ये चार्ट में आगे बताया था कि न्यूमेरिकली हमें क्या करना है, हमारे को एग्जाम में क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, कंसाइनर की बुक्स में कंसाइनमेंट और कंसाइनी अकाउंट, उधर कंसाइनी की बुक्स में कंसाइनर का अकाउंट। फिर मैंने आपसे कहा था, आइए फिर हम लोग शुरू हो गए थे, और मैंने आपसे ये बताया था कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, प्रिपेयर कंसाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, प्रिपेयर कंसाइनर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, कमीशन की कैलकुलेशन या फिर वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट स्टॉक या अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस और उसका इंश्योरेंस क्लेम। आइए जी, या अमाउंट ऑफ स्टॉक रिजर्व, या अमाउंट कितनी रिसीव करनी है किससे, कंसाइनी से, ठीक है। आप देखोगे लास्ट क्लास जो अभी कल एक पेपर हुआ, एग्जाम का पेपर होगा हुआ है, उसके अंदर भी जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैंने आपको भेजे हैं, मैंने पूरा पेपर भेजा आपको ग्रुप में। आप देखोगे वहां पे भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है, मैं स्क्रीन पे दिखाऊं क्या, तो मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कोई अलग से नहीं आ रहे, वो ऐसे के ऐसे बड़े सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। जी, तो मैं आपके सामने स्क्रीन पे लेके आ रहा हूं। किसी बच्चे ने भेजा हुआ है जो हमसे ऑनलाइन पढ़ा हुआ है, आप चेक करो बेटे इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं। जरूरी है कि आगे बढ़ने से पहले ना हमें थोड़ा सा एक ना एग्जाम का जो फोबिया बिना बात के बन जाता है पढ़ते पढ़ते सिलेबस में, और वो चीज हमें माइंड से हटा लेनी है। देखो जरा मैंने क्यों आज की क्लास रखी संडे के दिन होने के बावजूद, ताकि तुम्हारे साथ में पेपर भी एक डिस्कशन हो जाएगा, थोड़ा सा मेंटली आप लोग भी प्रिपेयर हो जाओगे। आप लोग में से ज्यादातर बच्चे सोचते हैं कि हम तो 11th 12th के बेस पे कुछ भी कर सकते हैं, बेटे उसके बेस पे से पास हुआ जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होता है, देखो जरा, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन करने होते हैं बाकी के 5 क्वेश्चन में से। अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ो, अभी मैं आपको सीधा कंसाइनमेंट के क्वेश्चन पे लेके चलना चाह रहा हूँ। और उसमें पूछा क्या है मैं आपको ये बताऊंगा, मतलब ये लाइन पढ़वाऊंगा बस, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। मतलब आगे जो हमें करना है पहले हमें ना पढ़ना, देखो क्या पूछा है इसने, ये बेटे कितने नंबर का क्वेश्चन है बताओ जल्दी से। और ध्यान रखना ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है भाई, वीडियो तो ऑन कर ही नहीं रहे बच्चे, अब मैं एक एक करके मीटिंग में डालना शुरू करता हूँ, जल्दी ऑन करो बच्चों। ये कंपनी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने कंसाइनमेंट किया था, बताओ इसमें 10 नंबर में क्या पूछा गया है, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या पूछा गया, बोलो, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट। अब आप समझ रहे हो 10 नंबर की बात है, 10 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बेटे। अजय सार्थक स्वयं प्लीज आप लोग भी वीडियो ऑन कीजिए। चलो तो ठीक है मैं वेटिंग में डालना शुरू करता हूँ। आइए मैक्स देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, कंसाइनमेंट अकाउंट बताता हूँ, और मैं कह रहा हूँ इससे ज्यादा सिंपल तो कभी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता जितना इस
इसमें आता है हमेशा। बस थोड़ा सा हमें क्या करना होता है कि ये देखना होता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दिक्कत हो गई हो किसी भी तरह की, मतलब कि जैसे कुछ टेक्निकल पॉइंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर दिए जाते हैं। एक मिनट, में एक बच्चे को लिंक भेजना भूल गया क्लास का। आइए जी, लीजिए बेटा क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, ठीक है ना? देखो कितना आसान सा क्वेश्चन आता है, और भी जब आप पेपर को एनालाइज करोगे ना तो बहुत आसान दिखाई देगा, अपने आप ही पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए जी। तो ये है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम। इसके बाद में जो अगला नंबर है, आओ बेटे, मैंने आपको बताया था कि एक बार ना रिकॉल चल रहा है इसमें, तो ध्यान से पहले अभी तक जो पढ़ा वो सारा का सारा रिकॉल होना जरूरी है। बिजनेस कितने टाइप के, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी, और वो बिजनेस हो सकता है, एक दो तो अभी आए नहीं है अभी आज, और बेटे कंसाइनर। देखो किस तरह से बिजनेस का टाइप जो है, चाहे प्रोप्राइटर है, चाहे पार्टनरशिप, चाहे कंपनी है, वो हो सकता है सेम बिल्डिंग में हो सकता हो, है ना, हो सकता है वो फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट में हो सकता है डिफरेंट बिल्डिंग में हो, यानी कि ब्रांच के रूप में, जो भी हो। यहाँ पर एक और टाइप है, क्या दूसरे प्लेस पर अपनी ऑफिस, अपनी बिल्डिंग के बजाय क्या कर सकते हैं, कंसाइनर, यानी कि वो गुड्स भेज करके दूसरी जगह एक एजेंट को अपॉइंट करके उसके जरिए माल बिकवा सकते हैं। ठीक है? नहीं जी, ये कल की क्लास नहीं है, ये आज की क्लास है, आप पहले इसमें आ जाओ, मैं इसके बाद में बैकअप दे दूंगा। आर्यन के बीच क्लास छूट गई थी, तो इस क्लास के बाद में आप दोनों बच्चे एक साथ बैकअप लूंगा, बाकी बच्चे रिवाइज करना चाहे तो कर लेना। ठीक है, आपको सबको समझ में आ जाएगा, लिंक बन जाएगा, डोंट वरी। तो बेटे कंसाइनर क्या करता है, अपना ट्रेडिंग पेनल बैलेंस खुद बनाता है अलग से, मतलब दो तरह के ट्रेडिंग पेनल बनेंगे कंसाइनर के यहाँ पर, ठीक है ना? और उसमें मेन तो जो खुद कर रहा है, साथ में क्या है कि जो कंसाइनमेंट के जरिए जो कमा रहा है उसका अलग से छोटा सा समझ लो एक ट्रेडिंग पेनल, ट्रेडिंग बनना है, जिसका जीपी आएगा कहां पर, कंसाइनर अपने खुद के जीपी के साथ में मर्ज करेगा। ठीक है, तो यानी कि एक छोटा सा ट्रेडिंग बनना है जिसका नाम यहाँ पर क्या होता है, बोलो, कंसाइनमेंट अकाउंट। भूल मत जाना, ये एक छोटा हाथी छोटा ट्रेडिंग अकाउंट समझ लेना। आपकी इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल वैसे जैसे मोतियों की माला में एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक पॉइंट को पिरोना होता है, बेटे इस चैप्टर में जरूरी है कि सारा लिंक एक साथ में रहे। आइए, इसलिए मैं आपको ये लिंक करा रहा हूँ, मैं आपको बार बार ये ग्राफ इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ बेटे आपको, ताकि चैप्टर का ये दिखाई दे कि बस सिर्फ एक ग्राफ और पूरा चैप्टर आपके हाथ में, सिर्फ एक ग्राफ, समझ रहे हो? कंसाइनर ने क्या किया बताओ, छोटा ट्रेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया, माल खरीदा, है ना, और क्या किया उसके साथ में, कुछ डायरेक्ट खर्चे किए लोडिंग के प्लस। ये बहुत अच्छा कर रहे हो तुम दोनों बच्चे, वेरी गुड। मैं कह रहा हूँ बाकी बच्चे भी ऐसे करें, अपनी अपनी कॉपी में देखें जो तुमने खुद का ग्राफ नोट कर रखा है, वेरी गुड मैक, वेरी गुड आर्यन, जो तुमने खुद का लिख रखा है उसको देखो, शाबाश बेटे। और बाकी बच्चे जिन नलायकों ने नहीं लिखा वो सामने देखो। हाँ जी, तो हमने एग्जाम्पल लिया था, आर्यन ने माल खरीदा, कंसाइनर है, माल खरीद करके उसको लोड किया, फिर रास्ते में जाने का खर्चा, फ्रेट और इंश्योरेंस वो भी किया, फिर रास्ते में नॉर्मल लॉस भी हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसका इंश्योरेंस होगा। जब कंसाइनी के यहाँ पर माल पहुंचा गोडाउन पे, उसने क्या किया, माल को अनलोड कराने के खर्चे किए, कुछ कंसाइनी के यहाँ पर खुद के खर्चे भी थे जो कंसाइनी पे करता है, लेकिन ध्यान रखना ये खर्चे कंसाइनर के होते हैं, बस पे कंसाइनी कर रहा होता है, क्योंकि दूसरी जगह पर पेमेंट करने के लिए कंसाइनर थोड़ा ना खुद जाएगा बार बार। तो यहाँ पर अनलोडिंग के खर्चे तो है, माल को अनलोड किया, क्या किया, गोडाउन के अंदर लिया कंसाइनी ने। बेटे वहां पर अनलोड के साथ में फिक्स एक्सपेंस भी हो सकते हैं, है ना, गोडाउन का रेंट, गोडाउन में जो इंश्योरेंस जाता है, फिर उसके बाद में बेटे हमें ये ध्यान रखना होता है, जो कंसाइनर अगर इंश्योरेंस कराता है तो वो क्या होते हैं, वेरिएबल, क्योंकि माल जाएगा तो इंश्योरेंस होगा, लेकिन कंसाइनी का तो इंश्योरेंस का फिक्स जाता है जी महीने का, माल आए ना आए, वहां तो गोडाउन की कैपेसिटी के बेस पे इंश्योरेंस करते हैं। ठीक है, फिर बेटे वहां पर सेल होगी, सेल होने से पहले हो सकता है कंसाइनर के गोडाउन, सॉरी कंसाइनी के यहाँ पर गोडाउन में नॉर्मल लॉस भी हो सकता है, नॉर्मल लॉस भी हो सकता है, फिर क्या होगा बेटे, माल बेचेंगे, माल बेचेंगे तो कमीशन की बात होगी। ठीक है, खैर एक चिट्ठी
कंसाइनर को कंसाइनी के द्वारा भेजी जाएगी, ये कबूतर लेके उड़ा। हमने सिर्फ एक एग्जाम्पलीफाई की चीजों को ताकि आपको पॉइंट क्लियर रहे। इस स्टेटमेंट का नाम पता क्या होता है? अकाउंट सेल। अच्छा, और जो पर्चा उनके साथ चला था माल के साथ, उसका नाम क्या है? परफॉर्मा इनवॉइस। आओ जी, अकाउंट सेल एक डिटेल होती है इस बात की कि भाई अभी तक यहाँ पर क्या क्या हुआ, कितने में माल बेचा, कितने का कमीशन उसमें है, कितने का पैसा रह गया, कितने बैड डेट्स हो गए, कितना हमने कंसाइनी ने एडवांस दे रखा था कंसाइनर को, कितने का नॉर्मल लॉस हुआ, कितने का एबनॉर्मल लॉस हुआ गोडाउन के अंदर। क्योंकि बेटे रास्ते की कहानी तो कंसाइनर खुद जाने, गोडाउन में पहुंचने के बाद की जिम्मेदारी कंसाइनी की है। फिर क्लोजिंग स्टॉक कितना बचाया है कंसाइनी के गोडाउन में, इस बात की जानकारी भी कंसाइनी उस स्टेटमेंट में देगा जिसका नाम क्या है, वो चिट्ठी का नाम, चिट्ठी मतलब स्टेटमेंट, अकाउंट सेल। सेल्स अकाउंट और अकाउंट सेल में फर्क होता है, ध्यान रखना। तो इस चिट्ठी के बेस पर कंसाइनर अपने यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, जो एग्जाम में इस बार पूछा गया था 10 नंबर का, जब भी आएगा 10-12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट। और कंसाइनी अकाउंट भी बनाता है कंसाइनर अपने यहाँ पर। आइए जी, कंसाइनी जो कमीशन देता है वो कौन कौन से तरीके होते हैं? एक होता है बेटे ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी मतलब सीधा सीधा, देखो ध्यान रखना, आंख बंद करके हर कमीशन किस पे होगा? टोटल सेल्स पर। टोटल सेल्स मतलब चाहे वो कैश सेल्स हो चाहे क्रेडिट सेल्स हो, दोनों को जोड़ो उसका टोटल करो। दिस इज आल्सो कॉल्ड ग्रॉस सेल्स। ग्रॉस सेल्स बोलो या टोटल सेल्स बोलो। अगर किसी कमीशन के बारे में कुछ नहीं बोल रखा बेटे, अब मैं वेटिंग में डालना शुरू कर रहा हूँ कसम से, अब मुझे सच में इरिटेशन हो रही है। फटाफट वीडियो ऑन चाहिए मेरे को। आई एम वेरी वेरी सॉरी इन एडवांस, मैं अभी फटाफट से वेटिंग में डाल रहा हूँ। जब आप लोगों की वीडियो ऑन हो जाएगी फिर आप क्लास में आ जाना। मैं करूं शुरू? बेटा आप भी ऑन कीजिए स्वयं। सब बच्चों के लिए क्लास का रूल एकदम बराबर है। स्वयं बेटा आप वीडियो ऑन कीजिए। इसका मतलब स्वयं बाहर है कहीं। आइए जी, फटाफट से आइए बेटा। तो मैं ये कह रहा हूं बेटे, कमीशन, कमीशन की बात सुनिए। कमीशन के केस में ऑर्डिनरी कमीशन भी है और बेटे स्पेशल कमीशन भी है। चाहे कैसा भी कमीशन हो, कुछ ना बोले तो टोटल सेल्स पे होगा। किस पे होगा बोलो? टोटल सेल्स पे होगा। टोटल सेल्स मतलब बेटे ग्रोस सेल्स पे होगा। टोटल सेल्स मतलब बेटा ग्रोस सेल्स पे होगा। बेटे वो जो ग्रोस सेल्स है, वो जो टोटल सेल्स है, वो कौन से वाली है बेटा? आप सुनिए ध्यान से, उसमें कैश सेल्स भी शामिल है, उसमें क्रेडिट सेल्स भी शामिल है, ठीक है? आइए जरा अब अगली बात बेटे। एक तो है ऑर्डिनरी कमीशन, एक है स्पेशल कमीशन। कभी कभी क्वेश्चन क्या बोल देता है जिसमें हमें ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन ऐसा बोल दे तो हमें फिर टोटल सेल्स पे नहीं निकालना होता कमीशन। जैसे ऑर्डिनरी केस में कुछ नहीं बोलेगा, मैं आपको पूरी क्वेश्चन की भी कंप्लीट नॉलेज दे रहा हूँ यहाँ, मतलब इसी जगह पर ही आप उस चीज को समझ सकते हो जो लास्ट तक बात जाएगी। मतलब आपने अगर ये बात ढंग से समझी, सुनी, एनालाइज की, क्वेश्चन में रत्ती भर भी दिक्कत नहीं है बेटे। ऑर्डिनरी कमीशन के बारे में कभी भी कोई दूसरी बात नहीं बोलेगा, सबसे पहली बात। इसके बारे में तो कुछ ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं। फिर हाँ, डेल क्रेडिटर कमीशन के लिए क्या बोल सकता है कि भाई ये क्रेडिट सेल्स पर निकालो, क्वेश्चन हमें बोलेगा तब। वरना ये भी किस पे होगा? हमेशा किस पे होगा बोलो? टोटल सेल्स पे होगा। ओवरराइडिंग कमीशन की बात करो, जिसमें मैंने आपको बताया था बकरा महंगा काटा वाला। तो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, जो ओवरराइडिंग कमीशन है, ओवर माने ऊपर, राइड माने सवारी, यानी कि अगर इनवॉइस प्राइस से ऊपर सवारी कर रहा है सेल्स प्राइस, तो जो अपर पार्ट है उसको हम एक नाम देते हैं, क्या बोलते हैं? सरप्लस। क्या नाम देते हैं बेटा? सरप्लस। क्या नाम देते हैं? सरप्लस, ठीक है। तो ये जो सरप्लस है, कभी कभी क्वेश्चन इसके बारे में बोल देता है कि भाई जो सरप्लस का इतना परसेंट हम उसको ओवरराइडिंग कमीशन देंगे।
समझ रहे मेरी बात, सरप्लस का। तो यानी कि क्वेश्चन हमें कहां कहां पर डिफरेंट बात बोल सकता है, नहीं बोला तो टोटल सेल्स पे निकलेगा, हमें बोल सकता है डील विद क्रेडिट सेल में कि क्रेडिट सेल का परसेंटेज दो, हमें बोल सकता है ओवरराइडिंग कमीशन में कि जो सरप्लस है उसका परसेंटेज दो। बात समझ गए, तो क्वेश्चन में इससे ज्यादा बात नहीं आएंगी। मेरा तो मन कर रहा है कि एग्जाम का एक क्वेश्चन करा दूं सीधा सीधा, बताओ इतना आसान क्वेश्चन आया है, लेकिन फिर थोड़ा सा ना एक नाइंसाफी होगी, बच्चे कहेंगे बताओ शुरू में एडवांस क्वेश्चन करा दिया, क्योंकि आपको लगेगा अरे एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हो। नहीं नहीं जबकि वो बिल्कुल बेसिक बातें पूछी जाती है, और ये बात अभी नहीं है, हर अटेम्प्ट की है। एनीवेज अगली कहानी बेटे, हमने फिर इन बातों को जो हमने ग्राफ पे समझी उन बातों को हमने थ्योरेटिकली लिखा था, ठीक है ना, कंसाइनमेंट क्या होता है, कंसाइनर क्या होता है, कंसाइनी क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया था कुछ नोट लिखाए थे, रिलेशनशिप दोनों का क्या है, प्रिंसिपल एजेंट का होता है, फटाफट से रिकॉल करो मेरे साथ, रिस्क और रिवार्ड किसका होता है, कंसाइनर का, माल किसी और का थोड़ा है, ओनरशिप तो उसी के पास में है, बेचा थोड़ा है, भेजा है, बेचने में भेजने में फर्क है। आपके दोस्त को जरूरत हुई कि यार बाइक दे देना, तो आप उसको क्या करो, बेचोगे या भेजोगे, भेजोगे, उसके पास पहुंच गए वो नहीं देगा क्या, उठा के ले आओगे ना, मालिक तो अभी आप ही हो। इनवर्ड और आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ, इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, मतलब जिसके पास पहुंच रहा है कंसाइनमेंट उसके लिए इनवर्ड है, कंसाइनी के लिए, कंसाइनर के लिए वो आउटवर्ड रहता है। कंसाइनमेंट के कुछ फीचर्स पूछे जाते हैं बेटे, थ्योरी में लिखने को आएगा तो हम वहां बैठ के मुंह धोना दिखेंगे, तू क्या लिख रहा है पड़ोसी, नहीं अपने यहाँ अपने दम पे हम पॉइंट्स वहां पर लिख के आएंगे भाई, ऐसा छापिया होगे तो दिक्कत नहीं आएगी। हाँ आर्यन बोलो सर, ऊपर वाला दिखाना स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ हाँ लो ना, चिंता क्यों कर दो, मैं पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में, परेशान मत हो, चलो है ना, रिलैक्स रहो, समझने पे ध्यान दो बेटे। फीचर ऑफ कंसाइनमेंट पर ध्यान रखना, ये जो पीडीएफ है अपने बच्चों के पास में रहनी चाहिए, आप ही अपना कंपटीशन अगर दूसरे को देंगे तो आपके कॉम्पिटिटिव नंबर और ज्यादा आएंगे, है ना, तो आप अपना ध्यान रखना कि ये चीज कहीं और नहीं जानी चाहिए, मैं आप ही को ट्रस्ट पिक करके ना तब देता हूँ। फीचर ऑफ कंसाइनमेंट थ्योरी है जी, सिंपल सी फीचर है, रिलेशन है जी प्रिंसिपल एजेंट का, और वहां पे से पोजेशन जा रही है जी, वहां पर कमीशन दिया जा रहा है जी, प्रॉफिट एंड लॉस तो कंसाइनर का है, कितनी सिंपल सी लैंग्वेज है, आप इसको और एक्सप्लेन भी कर सकते हो इनको, अगर ये क्वेश्चन अगर थ्योरी में 5 नंबर का आया तो ये सारे पॉइंट हेडिंग बनेंगे, और इनके अंदर एग्जाम्पल लिख देना, ए ने बी को बोला तू माल भेजेगा, ए प्रिंसिपल बी एजेंट, ए ने बी को माल भेजा, ए ने एजेंट को सिर्फ पोजेशन दिया है, बी का ओनर नहीं हुआ, बी उसका ओनर नहीं हुआ, इस तरह से अपनी बात को रखना है आपको, हर थ्योरी को एग्जाम्पलीफाई करना चाहिए। अगला पॉइंट डिफरेंस क्या है जी सेल और कंसाइनमेंट में, मैंने आपको लिखाया प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन, वहां पर क्या है सेल परचेज वाला, डेटर क्रेडिटर का रिलेशन, ओनरशिप किसके पास में, ओनरशिप गई कि पोजेशन गई, कंसाइनमेंट में खाली ओनरशिप पोजेशन गई और वहां पर ओनर दोनों गई, ओनरशिप भी पोजेशन, ऐसा थोड़ा ना होगा कि हम बोले चल तेरे को माल बेच दे पर माल दे नहीं दे, है ना, तो पोजीशन भी जाएगी और ओनरशिप भी जाएगी। रिस्क किसके पास में, कंसाइनमेंट में कंसाइनर के पास है जी, और सेल होने पर जब खरीद लेगा तो भैया मालिक तो नहीं हो, तुम्हारे पास में रिस्क ट्रांसफर हो गया डेटर के पास में। डील्स विद मूवेबल कंसाइनमेंट मतलब भेजना, बताओ बेटे किसी को आप मकान भेज सकते हो क्या, बिल्डिंग, मैं तेरे पास बिल्डिंग भेज रहा हूँ इसको भेज दियो, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं ना, बिल्डिंग उठा के भेज सकते हैं क्या, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कभी भी सेंड नहीं की जा सकती, कंसाइनमेंट किसके लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ मूवेबल के लिए, लेकिन सेल तो किसी भी चीज की हो सकती है जी, मूवेबल और इमूवेबल। नेक्स्ट अकाउंट सेल, दो बच्चे और वेटिंग लिस्ट में जाना चाहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है, आओ जी अकाउंट सेल और प्रॉफिट लॉस में क्या डिफरेंस है। हाँ जी अकाउंट सेल मतलब भाई कंसाइनमेंट में तो अकाउंट सेल स्टेटमेंट होता है, वहां पर सेल में ऐसा नहीं होता है ना, इधर देखो प्रॉफिट लॉस किसका होता है, कंसाइनमेंट का, सेल का, सेल में किसका होता है बेटे आफ्टर सेल तो डेटर का है। परफॉर्म इनवॉइस प्राइस बेटे हमने समझ लिया ग्राफ में कि भाई माल के साथ साथ में ये जाएगा है ना, तो इसके बारे में हमने लिखना तो आना चाहिए ना एग्जाम में, तो लिखेंगे कैसे, ठीक है सर ने समझा दिया ग्राफ में, हमें समझ में भी आ गया, बट हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम, में नंबर तो बेटे वहां से आएंगे ना, वहां पर जाके बैठ के हम आ गए, नहीं नहीं आता है ये लिख के चले आएंगे तो फिर नंबर थोड़ा ना आ जाए, वहां लिख के आओगे क्या तुम्हें आता है और कैसे परोसोगे वो मैंने लिखवाया। It looks like a simple invoice, but it is not the same. लेकिन ये invoice नहीं है जी, it is just detail explanatory statement. ये detail explanatory statement है. इसका purpose क्या है? Just to tell. बेटे तीनों का biodata बताएगा, sender का, receiver का और goods का, तीनों का biodata. तो information about the goods, sender, consignor and consignee. देखो स्वयं अभी तक ना waiting list में,
इसका मतलब क्या है, स्वयं ने वीडियो ऑन करी और आराम से सो गया। मैं भी देखता हूँ सुबह क्या होता है कि मेरी भी दो बेटियां हैं, वो क्लास ले रही होती है, वो नहीं ले रही होती, उनकी मम्मा बैठी होती है और फिर बाद में वो पढ़ा रही होती है। तो मैंने कहा ठीक है, बढ़िया सीख मिल रही है मेरे को, मैं अपनी क्लास में ऐसा नहीं होने दूंगा। तो आइए जी मैं बताता हूँ अंटू, नाउ डेज ये सारे काम किससे होते बेटे, ई वे बिल से, है ना, ई वे बिल से। ई वे बिल का फॉर्म नंबर भी हमें बताया था 01, ठीक है। ये किस तरह का फॉर्मेट होता है, इस तरह का, सबसे पहले उसका नाम जो भेज रहा है, कंसाइनर, जैसे यहाँ पर मैसेज अजय राठी, ठीक है। फिर इस पे बिल पे लिखा जाएगा पक्का बिल है, कच्चा बिल है, परफॉर्म है, क्या है, परफॉर्म इनवॉइस है जी, उस पे डेट तो डली होगी नो डाउट। फिर लिखा जाएगा किस बात के लिए ये बिल है जी, गुड्स भेजने के लिए है जी, ठीक है ना, किसको, पार्टिकुलर पर्सन, जैसे यहाँ पे मैसर्स विजय राठी है, कंसाइनी कौन है, मैसर्स विजय राठी, मैंने अपने भाई का नाम लिखा है, हम दोनों भाई हैं अजय विजय। आइए जी उनका एड्रेस भी होगा कंसाइनी का, यहाँ पे बेटे सीरियल नंबर, गुड्स की डिटेल, अमाउंट है, अब लास्ट में है फोर मैसर्स अजय राठी, मैंने अपना लिखा, ठीक है जी। सेंडर यानी कंसाइनर, है ना, ये जो ई एंड ओ ई है, एरर एंड ओमिशन एक्सचेंज, कोई भूल चूक रह गई हो अगर किसी तरह की, तो वो आपस में हम बाद में लेना देना कर लेंगे। मान लिया कैलकुलेशन गलत हो गई, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि क्या नाम, हमने अपराध कर दिया, हमने तुम्हें बताया, मान लिया दो और दो चार होते हैं, हमने गलती से तुम्हें तीन बता दिए, तो इसका मतलब अपराध कर दिया हमने, वो तो आपस की अंडरस्टैंडिंग है भाई, इम्प्लाइड है, दो और दो भाई 1 रुपया रह गया, भूल चूक लेनी देनी। तो इस बात के लिए ये पॉइंट लिखे जाते हैं, ठीक है। इसको यूपी में बोर्ड में हम लोग पढ़ते थे, देसी भाषा में बोलते थे बीजक, वहां लिखा था भूल चूक लेनी देनी। एनीवेज आइए पॉइंट नंबर 5, एडवांस। कंसाइनी क्या करता है, कुछ पैसे एडवांस भेजता है। सोचो जरा, कंसाइनर तो लाखों का माल उसके पास भेज रहा है और कंसाइनी लेके भाग जाए, तो उससे ना थोड़ा बहुत एडवांस ले लिया जाता है, भाई जब तुम इतने कॉन्फिडेंट हो बेचने के लिए, ठीक है थोड़ा सा एडवांस दे दो ताकि हमें भी पैसा लगाने में मजा आए। फिर चिट्ठी आई है, आई है, अकाउंट सेल स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट सेंट बाय कंसाइनी टू कंसाइनर पीरियडिकली। उसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं जी, सारी चीजें लिख देना जो जो तुम्हें कंसाइनमेंट में याद आए, सारी बातें, ठीक है ना, अपने आप तुम देखो बना दोगे। ध्यान रखना सेल्स अकाउंट और अकाउंट सेल दोनों डिफरेंट है। आइए जी कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस में क्या अंतर है जी। बेटे कॉस्ट प्राइस वो है जिस पे माल खरीदता है कंसाइनर, कंसाइनर बाई गुड्स और मैन्युफैक्चर गुड्स, हो सकता है ना मैन्युफैक्चर करके भेज रहा हूँ, फॉर विच ही इनकर कॉस्ट एंड देन सेंड्स टू कंसाइनी, तब वो उसको कंसाइनी को भेजता है विद द इंस्ट्रक्शन कि भाई तेरे को इस प्राइस पे भेजना है। और बेटे ऑफकोर्स 100 रुपए की चीज बना करके कोई 100 रुपए में थोड़ा बेचेगा, क्या करेगा, थोड़ा सा लोडिंग करके भेजेगा ना, बोलेगा इनवॉइस प्राइस पे। डिफरेंस जो है इन दोनों का क्या कहलाता है, प्रॉफिट नहीं कहलाता, प्रॉफिट तो तब होगा जब कस्टमर को माल बिक जाएगा, तब तक ये क्या कहलाएगा, लोडिंग। जैसे गधे पे माल लोड कर देते हैं है ना, ऐसे ही क्या करते हैं, कोस्ट पे प्रॉफिट लोड कर रखा है आज बड़ा सा, गधे पे माल लोड करने पे है। हाँ जी अंटू का पता ही नहीं चलता, अंटू तुम क्यों मास्क लगा के बैठते हो, मतलब चेहरा मुस्कुराते हुए ना देख ले है, कितने जोक सुना लो अंटू का पता ही नहीं चलता हंस रहा है कि नहीं हंस रहा है। चलो जी आओ क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन, बेटे लास्ट क्लास हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, और लास्ट क्लास आपको यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ छोटी सी, ठीक है, क्योंकि सारा क्वेश्चन दो बातों पे डिपेंड होता है, सबसे ज्यादा अगर उलझता है तो दो बातों पे सबसे ज्यादा उलझता है क्वेश्चन, जिनमें से एक बात है क्लोजिंग स्टॉक। मतलब अगर किसी बच्चे ने ध्यान से ये बात सुनी जो मैं बता रहा हूँ, तो पिछले वाली क्लास वाले में जो बच्चे थे उनकी तो बात पक्की हो गई, पूरी क्लास में सिर्फ एक ही हमने पॉइंट किया पूरी क्लास में, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन। जो बच्चे ने पहली क्लास ली थी, पिछले वाली क्लास, उनका तो रिवाइज हो जाएगा बहुत अच्छे से। जिन्होंने फर्स्ट टाइम भाई पिछली क्लास मिस कर दी, बैकअप लेना चाहते हैं ले लो बैकअप, लेकिन अगर वो यहाँ पे ध्यान से सुने तो उनको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। बेटे कंसाइनमेंट में क्लोजिंग स्टॉक होता है, देखिए हमने एक ग्राफ बनाया था ना कंसाइनर कंसाइनी वाला, हाँ जी, तो कंसाइनमेंट में देखो जो ग्रीन कलर से यहाँ पर जो हमने रिप्रेजेंट किया कि भाई कंसाइनमेंट में जो स्टॉक है कंसाइनी के यहाँ पर, देखिए जरा स्वयं अभी जगाए कि नहीं जगाए, वो अभी तक वेटिंग में डाला हुआ है। मतलब बेटे अगर किसी को वेटिंग में डाले तो आप क्या करना, एग्जिट करके फिर री एंटर हो जाओ सेम लिंक पे क्लिक करने पे, बस ये हो जाएगा कि हाँ भाई नींद खुल गई बच्चे की, स्वयं सो रहा है अभी, स्वयं ये अभी भी सो रहा है। चलिए देखा चलो जी अब सुनो बेटे ध्यान से,
ये जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है, पहली बात तो वैल्यू का एक ही फंडा, ये जो कंसाइनी के गोडाउन में स्टॉक बचा हुआ है ग्रीन कलर का, मैंने कुछ एग्जाम्पलीफाइड की थी फिगर, तो मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूँ पहले, इस ग्राफ को ध्यान से पढ़ना, कल की क्लास रिवाइज करनी जरूरी है। सबसे पहले कंसाइनर ने मान लिया माल खरीदा 1 लाख रुपए की कॉस्ट का, उसको लोड करने में, उसका रास्ते का फ्रेट इंश्योरेंस पे करने में 2500 रुपए का खर्चा किया, तो बताओ टोटल कितने का खर्चा हो गया, 1,02,500 का। मतलब कंसाइनर के पास से जब ये ट्रक चला, जब यहां से ये जो ट्रक है माल लेके चला, तो इसमें कितने पैसे, कितने रुपए का माल लोड था, इनमें 1,02,500 रुपए की कॉस्ट का माल इसमें लोड हुआ। कितनी क्वांटिटी यहां पर हमने इनपुट की, कितनी क्वांटिटी ट्रक में लोड की, बेटे 1,000 क्वांटिटी यहां पे लोड की। फिर हमने कहा भाई रास्ते में नॉर्मल लॉस भी होना है 2% का, मतलब अगर हम 100 क्वांटिटियां भेजते तो दो रास्ते में गिरनी गिरनी थी, टूटनी फूटनी थी, जो जिनका पता भी नहीं चलेगा कहां गई, वो इम्प्लाइड है। मतलब ये कुछ इस तरह समझ लो, अगर मान लिया हमने पैटीज का ट्रक भेजा और उसमें हमने आर्यन को भेज दिया, तो 100 पैटीज अगर हमने रख के भेजी तो रास्ते में 2 पैटीज खाएगा पक्का, तो सर ज्यादा भी है पक्का, और मैं बैठ गया तो फिर तो भाई साहब हो गए बल्ले बल्ले, पता चला वहां 2 पहुंच रही है, 98 हमने खा लिया है आर्यन। हाँ, तो मतलब की बात यह है बेटे रास्ते में 2 का तो नॉर्मल लॉस होने होना है, तो बेटे बताओ कितनी पहुंचेंगी वहां पे, 98। ऐसे यहाँ पर 1,000 अगर है तो बेटे 2% तो रास्ते में लॉस होनी होनी है, 1,000 का 2% कितना होता है, 20, है ना। यानी कि ये कंफर्म है, पहले से इंप्लाइड था कि हम जो खर्चा 1,000 के लिए कर रहे हैं वो है 1,02,500, वो 1,000 के लिए नहीं, पहुंचने वाली 980 के लिए किया जा रहा है। तो बेटे मजे की बात यह है इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा उलझाता है वो है नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, और वो ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सिंपल है अगर आपने ये बात सुन ली। कुछ नहीं करना, जब भी नॉर्मल लॉस आ जाए, जब भी नॉर्मल लॉस आ जाए कुछ मत करो, अमाउंट अमाउंट कुछ मत छेड़ो, जस्ट पिछले वाली जो स्टेज है सार्थक सामने देखो, जस्ट पिछले वाली जो स्टेज है उस स्टेज पर क्वांटिटियां कम कर दो जैसे क्वांटिटी वहां पे थी, और बाकी सब अपने आप हो जाएगा, है ना। वो गाना सुना है, हाँ, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, बस बेटे वही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ तुम्हें, कुछ नहीं करना, क्वांटिटी कम करनी है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। अब जरा देखो, जरा बेटे 1,000 क्वांटिटियां भेजी, बताओ यहाँ पे तुमने 20 क्वांटिटियां कम कर दी, तो ये मान के करो कॉस्ट भले ही वो 1,000 क्वांटिटी की है, लेकिन 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 तुमने क्या किया, अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ पे बाकी सब अपने आप हो जाएगा, बस क्वांटिटी को कम कर दीजिए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई है, पक्का बेटा। आगे चलो, जब यहाँ पर ट्रक पहुंचा, लेकिन ट्रक पहुंचने से पहले रास्ते में एक काम और हो गया था भाई, ठीक है 2% क्वांटिटी तो लॉस होनी थी, हमें पहले से पता था, तो हम तो उसको कॉस्ट पर एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन जो 5% का एबनॉर्मल लॉस है बेटे, 5% का एबनॉर्मल लॉस, 5% का जो एबनॉर्मल लॉस है वो कैसे हुआ भाई, या तो पैटीज गिर गई रास्ते में, है ना, या आर्यन को ज्यादा ही भूख लगी थी कुछ, है आर्यन ने यार दोस्त को बुला लिया, वो आजा आजा आजा, बस भाई फिर तो बल्ले बल्ले। यानी कि 5% जो अलग से लॉस हुआ वो आर्यन के दोस्तों ने मजे ले लिए, तो आप बताओ बेटे आर्यन को भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, सर बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए, है शैतान, आओ जरा, मेरा मतलब ये है कि बेटे ये है एबनॉर्मल लॉस, क्या ऐसी बातें रोज रोज हुआ करेंगे, नहीं जी। तो यानी कि इसके लिए हम क्या करेंगे, इतनी कॉस्ट तो समझ लो रास्ते में रुक गए, तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉस्ट है 1,02,500 की, ये कॉस्ट कितने के लिए है बेटे, ये कॉस्ट है बेटे कितने के लिए, 980 के लिए, तो इसमें से जो रास्ते में 50 रुक गए हैं, जो ये रास्ते में जो 50 रुक गए, 50 कैसे है बताओ, 1,000 का 5%। आधे बच्चों को तो ये डाउट रहता है कि सर 5% 980 का निकालेंगे 1,000 का निकालेंगे, बेटे हमेशा परसेंटेज जब भी दी हो जिंदगी भर का रूल बना लो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, जस्ट पिछले वाला जो पड़ाव होता है ना, पड़ाव यानी कि पहली वाली जो स्टेज होती है, जैसे गेम की स्टेज मैंने बताई थी कल, जैसे लेवल 1 क्रॉस कर लिया,
ये रहा हमारा लेवल वन। फिर अगला कहां पे आया, ये आ गया हमारा लेवल टू, है ना। तो जस्ट पिछले वाला जो लेवल होता है, पिछले वाला जो पड़ाव होता है, हमेशा उसकी परसेंट उसके ऊपर निकलती है। जैसे यहाँ पे 1000 क्वांटिटी, तो उसमें निकलेंगी 50, 5%। तो इनकी कॉस्ट को बेटे क्या करा, उतना हमने डिवाइड कर लिया। 1,02,500 तुम 980 के लिए थी, 1000 के लिए नहीं, 980 के लिए, इनटू 50, तो 50 के हिस्से में कितनी थी। तो ये कॉस्ट तो बेटे रास्ते में रहेगी, घटाना जरा 1,02,500 में से 5,330 पहुंची कितनी, 97,170। कितनी क्वांटिटियां वहां पर दरवाजे पे जाकर पहुंची, 930 क्वांटिटियां पहुंची, और कितने की कॉस्ट लेकर के पहुंची बेटे, 97,170। फिर दरवाजा खोल, दरवाजा खोले, चिल्ला रहे थे, घंटी बजा रहे थे, कंसाइनी ने क्या किया, दरवाजा खोला और ये माल ₹2 पर क्वांटिटी के हिसाब से लेबर को खर्चा दिया, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस किया, और वो माल उतरवा करके अंदर किया गोडाउन में। जब ये माल अंदर हो गया गोडाउन में, ये देखिए यहां पर ये माल आ गया अंदर गोडाउन में, तो ये इसको उतरवाने के खर्चे हुए थे ये वाले ₹2 पर क्वांटिटी के हिसाब से हमने मल्टीप्लाई किया 930 क्वांटिटी से, तो कितना बैठा जी, 1860 बेटे, ₹1,860 हैं जो खर्च हुए। कितने, ₹1,860 हैं जो खर्च हुए। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। एक है वेरिएबल वाला एक्सपेंस, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो होने होने थे, माल नहीं भी आएगा तब भी होंगे। तो 930 क्वांटिटी में से 830 क्वांटिटी है जो बिक गई और 100 क्वांटिटी है जो बच गई। तो सारी बात इस पे थी, क्या क्लोजिंग स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक की क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हमने करने के लिए एक फॉर्मेट भी हमने बनाया था, और मैंने आपसे कहा था कि ये बात हमें ध्यान रखनी है। हाँ वही करेंगे, हाँ जी। स्ट्रोक तुम यहां तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे, कौन कौन से खर्चे तुम्हारी वजह से हुए जिनके बिना तुम नहीं पहुंच सकते थे, जिनके बिना तुम नहीं पहुंच सकते थे। आइए जी, तो यहां पर एक कैलकुलेशन की हमने क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन की। क्या होती है जी कैलकुलेशन, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर लेस, हमेशा का ये फंडा है हर ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में स्टॉक ऐसे ही आता है। अब एनआरवी क्या है, एनआरवी है जी मार्केट वैल्यू में से खर्चा घटा दो, उसको बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि मार्केट में कितने भी गुड्स बिक सकता है, कितना उसमें बेचने में खर्चा हो सकता है, तो नेट कितना रियलाइज हो सकता है। दूसरी बात है बेटा कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब जो जेब से लगा और वापस नहीं है, दैट इज माई कॉस्ट। कॉस्ट में यहाँ पे क्या काउंट होगा, स्टॉक की कॉस्ट के लिए कॉस्ट और में क्या क्या काउंट होगा, एक तो परचेज प्राइस, और जो यहां तक माल लाने के खर्चे हैं, माल को इस जगह तक लाने के खर्चे हैं, जितने भी खर्चे डायरेक्टली हैं, जिनके बिना यहाँ पे नहीं पहुंच सकता था, उनको जोड़ देंगे तो हमारी वो कॉस्ट आ जाएगी। और हमने क्या किया, इसको डिटेल में लिखा था, फिर नेक्स्ट पेज पर एक हमने बेटा एक चार्ट बनाया था, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। आपको एग्जाम में इस तरह से प्रेजेंट करना है अपनी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन को, और जैसे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होती है, ठीक उसी तरह से एबनॉर्मल स्टॉक की वैल्यूएशन होती है, एबनॉर्मल लॉस की। सबसे पहले हमने क्या किया बताओ, बताओ स्टॉक पहुंचने की कहानी, सफर, स्टॉक का सफर कैसा रहा शुरू से लास्ट तक का, वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। सबसे पहले माल खरीदा बेटा, सार्थक वीडियो ऑन कीजिए भाई, अगर कोई नाश्ता वास्ता कर रहा हो तो कर लो बेटे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर वीडियो ऑन जरूर रखे, जिससे मुझे ये रहे कि हाँ भाई बच्चे की अटेंशन इधर भी है ना। ये सबसे बढ़िया आज है, इसने मेज के नीचे नाश्ता रख रखा है, बीच बीच में यूं करता रहता है, चलाता रहता है। मैक का बढ़िया है, वो क्या करती है, एक में वीडियो ऑन करती, वीडियो ऑफ करती है और इधर जगह लाओ मम्मी और फिर सामने आ जाती है। आर्यन क्या करता है, वो कैमरे पे ऐसे हाथ रखे मुंह में बाइक डालते हैं, फिर शुरू हो जाता है भाई आर्यन, और ऐसे दे दे है भाई चलो आ जाओ। सार्थक देखो, सार्थक ने तो ऐसा वॉलपेपर लगा रखा है ये दिखाई नहीं देगा देखने, और ऐसा लगेगा वीडियो ऑन रखूंगी, है ना। टी शर्ट भी तो येलो कलर की बैठ के पहन रखी है इसने, जिससे कि पता ही ना चले है कब आया कब गया, है ना। खाना पीना भी आराम से हो जाता है, मस्त एकदम मिल जाता है ना सार्थक, पक्का चलो जी चलिए बेटे अंटू का बढ़िया है, वो तो क्या करता है मास्क लगा रखा है, दो मिनट में नीचे को
अंटू, इसीलिए मां सटवाता हूँ, पता तो चले अंटू हंस रहा है कि नहीं और खा रहा है कि नहीं खा रहा है। चलो जी, तो लो बेटे, कंसाइनर ने जो कंसाइनी के पास में माल भेजा और कंसाइनी ने जो उसको बेचा, फिर जो माल बच गया, उस तक की कहानी। ए बी सी डी ई, ये चार पॉइंट, चार पांच पॉइंट है, पढ़िए जरा। सबसे पहले बताओ बेटे क्या हुआ था। 1,00,000 रुपए की कॉस्ट का माल था, सबसे पहले क्या था बेटे, 1,00,000 रुपए की कॉस्ट का माल खरीदने में लगा था, परचेज कॉस्ट थी। कितनी क्वांटिटी? 1,000। मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे एग्जाम में, प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, वरना बेटे पुंगे लगेगा पड़ोसी के, भरोसे आंसर लिख रखा है। ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, कंसाइनर ने जितने भी खर्चे किए सारे जुड़ेंगे। बेटे मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए, सर कंसाइनर के सर फिक्स भी हो सकते हैं क्या? कंसाइनर के कोई भी खर्चे होंगे क्वेश्चन में वो वही बताएगा जो वेरिएबल होंगे। इंश्योरेंस लिख रखा है वो भी, क्योंकि माल जो रास्ते में गया उसी का इंश्योरेंस कराएगा, अदरवाइज नहीं कराएगा जी। तो जो खर्चे हैं ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर यहाँ पे शामिल होंगे जी। तो 1,02,500 की जो कॉस्ट है वो 1,000 क्वांटिटी के लिए काउंट होगी। अब नॉर्मल लॉस का, क्योंकि हमें पहले से पता था भाई यही बदलता रहे नलायक, अब फिर चेंज करता है, मेरा भी ध्यान उधर डाइवर्ट होता है। तो मैं ही कह रहा हूँ बेटे क्वांटिटी हमारी कम हो जाएगी, कितने बचेंगे बताओ, 980। बताओ सर था कि 980 क्वांटिटी की कॉस्ट कितनी होगी, जल्दी बोलो कितनी होंगी। बोलो कितनी होंगी, नहीं आवाज नहीं आई भाई, हमारा स्पीकर तो सही है भाई, बोलो सरदार। मैं कह रही मैं बताऊंगी, 1,02,500। ठीक है, आइए जी, अंटू को शक हुआ आवाज आ रही है क्या? अंटू ने पूछा, अच्छा नहीं सार्थक पूछ रहा था, सर आवाज आ रही है? बेटा आवाज नहीं आ रही बाबू। चलो खैर आप इधर ध्यान दो, कोई बात नहीं इधर ध्यान दो, बस मुझे फोकस आपका इधर लगा था। बेटा 1,02,500 कितने की कॉस्ट है बोलो, 980 की। मतलब आपने ऐसे बोला जैसे कि यहां से पहले कोई बात थी नहीं। नॉर्मल लॉस के केस में हमेशा ऐसे किया जाता है, जैसे क्वांटिटी थी नहीं, चली 980 थी, लेकिन कॉस्ट मत कम कर देना, वहां गड़बड़ हो जाएगी बेटा। अभी तो मैंने क्वेश्चन में ये रखा है कि रास्ते में नॉर्मल और एबनॉर्मल हुए, तो बेटे अब एबनॉर्मल लॉस को अलग करो। रास्ते में पता है आपको एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट गिर गई थी, तो एबनॉर्मल स्टॉक की मैं एबनॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल जो लॉस है उसकी वैल्यू अलग से निकालना सिखाओ। देखो यहाँ पे सामने, आप देखो सामने, आपने खुद ही निकाल दी यहाँ पर मेरे साथ निकाल, 1,02,500 की कॉस्ट है। मतलब जब हम एबनॉर्मल की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो हम उसको बिल्कुल एक क्लोजिंग स्टॉक की तरह निकालेंगे। बस ये देखो स्टॉक यहाँ तक पहुंचा तो कैसे पहुंचा, कौन कौन से खर्चे जरूरी थे। तो 1,02,500 की कॉस्ट जरूरी थी, डिवाइड बाय 980, 980 के लिए थी, तो इसमें से 50 का हिस्सा कितना था? बच्चा पता क्या गलती करता है यहाँ पर, वो 5% निकाल रहा होता है लेकिन इस पे निकालना शुरू कर देता है बच्चा, ये गलती करता है, ये तुम मत करना। मैंने इसीलिए आपको ना बेटे ग्राफ दिखाया, ग्राफ का जो पहला पड़ाव है, पड़ाव वहां पर टोटल क्वांटिटी कितनी थी उस पे निकलेगी बात, 1,000 पर। तो ये गलती आप लोग नहीं करेंगे, ये किस पे निकलेगा हमेशा, मैंने पड़ाव को वैसे भी जानबूझकर ब्लैक पेन से लिखा, इसी वजह से इसको मैं ब्लू से कर देता हूं, कहीं आप लोग मिक्स कर जाए। बेटा इतनी बात ओके है सब बच्चों को, पक्का मैं चलूं आगे। तो एबनॉर्मल वाले की कॉस्ट हमने रास्ते में हटा दी, तो बताओ बेटे कितनी कंसाइनी के गोडाउन में पहुंची, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स रीच या रिसीव्ड बाय कंसाइन। ठीक है जी, वहां पर भी बेटे नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस हो सकता है। आइए जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, आर्यन के क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सर नॉर्मल या एबनॉर्मल लॉस का हिसाब ड्राइवर ही तो करता होगा? नहीं बेटे, कंसाइनर और कंसाइनी करते हैं। कैसे भाई? कंसाइनर बताएगा, आज तो व्हाट्सएप कर देगा, भाई मैंने ये देखो ये इतनी क्वांटिटी भेजी, इतने के रेट वाली भेजी, हाँ रास्ते में 2% नुकसान होगा तो 980 तुम्हारे पास पहुंच जानी चाहिए। तो फिर कंसाइनी उस व्हाट्सएप से, उस पर्ची से चेक करेगा कि क्या ये 980 क्वांटिटी है, काउंट करेगा। अगर क्वांटिटी नहीं मिली तो वो बताएगा कि देखो ये क्वांटिटी इतनी है, और तुरंत वो भी व्हाट्सएप कर देगा
मैं व्हाट्सएप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग व्हाट्सएप में ज्यादा आजकल डील करते हैं, ताकि तुम्हें पता चल जाए इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन जानी है, वो चाहे वो फोन के जरिए जाए, वो चाहे वो फोटो खींच करके मेल के जरिए जाए, जैसे भी है वो उसको मैच कराएगा जी। अगर 980 क्वांटिटी निकली तो कोई एब्नॉर्मल है नहीं, लेकिन 980 नहीं पहुंची, जैसे रास्ते में 50 और गिर गई, वो कहेगा मेरे पास तो जी 930 पहुंची है। इस तरह से हिसाब किताब हो जाएगा, ठीक है। ड्राइवर तो कभी बताएगा नहीं, ड्राइवर तो कहता माल तो जी पूरा है जी, है ना, वो तो काउंट करने पे पता चलेगा ना बेटा। हाँ जी पूछो अंटू, फिर मैं आगे चलूं। सर मैं पूछ रहा था ये जो एबनॉर्मल लॉस जो मतलब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो ये नॉर्मल लॉस मैंने निकलने के बाद माइनस करने के बाद क्यों नहीं करते, मैं डायरेक्ट क्यों फेस क्वांटिटी। हम उसी के बाद करते हैं बेटा, वैसे ही जैसे कॉस्ट अकाउंट में होता है। सारे बच्चे बाकी के बच्चे देखो, यहाँ पे हमने क्या क्या बताओ, टोटल क्वांटिटी, क्योंकि बेटे हमारे स्टडी मैट में इस तरह से लिखा हुआ है, टोटल क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। बताओ 1000 में से हमने घटा दी कितना, 20, तभी तो 980 आई है। ओके अंटू, कॉस्ट अकाउंट पढ़ा है तुमने इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो, समझदारी वाली बातें हैं, लेकिन बच्चे अभी ना फाउंडेशन के, तो मैं इसलिए वो बात नहीं बता रहा था। तो अच्छा, ये लेक्चर सीएमए इंटर वाले भी देखने होंगे रिकॉर्डिंग में, तो मैं ये बता दूं उनको, उनको भी क्लियर हो गया होगा। तो ये लेक्चर ना सभी के लिए, बाद में जब रिकॉर्डिंग में ये लेक्चर जाएंगे, तो सीएमए इंटर वाले बच्चे भी देख रहे होंगे, उनके लिए भी ये लेक्चर है। आइए जी आओ बेटा। तो एब्नॉर्मल लॉस के बाद में टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी कितना है बेटा, 97,170। बेटा कंसाइनी ने अपने आप पे कितने किया बताओ, ₹2 पर क्वांटिटी रीच का, क्या कहा मैंने, ₹2 पर क्वांटिटी रीच जो अनलोड कराई उसका था, है ना, कितना बताओ, 930 × 2 कितना हो गया, 860। बेटे क्वांटिटी थोड़ी ना बढ़ी है, सिर्फ कॉस्ट बढ़ी है, स्टॉक तुम यहां तक पहुंचे तो कौन कौन से खर्चे तुम्हारे लिए जरूरी थे, क्योंकि बेटे जब ट्रक पहुंच गया था तो माल का उतरना भी तो जरूरी था, तभी तो गोडाउन के अंदर जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है बेटे, यहाँ पर 1860 जो है ये खर्चा हुआ, किस बात का खर्चा हुआ, माल के उतार करके गोडाउन के अंदर ले जाने का खर्चा हुआ। बेटा आप देखना जरा, 1860 का जो खर्चा हुआ उससे कॉस्ट कितनी होगी, 99,030। क्वांटिटी तो वही रही ना, सिर्फ कॉस्ट पड़ा। अब 930 क्वांटिटी में से 830 तो गई बिक, तो मैं ये कह सकता हूं जो क्लोजिंग स्टॉक में बची हुई है 100 क्वांटिटी, जो क्लोजिंग स्टॉक में बची हुई है 100 क्वांटिटी, उनकी वैल्यू हमें निकालनी होती है, वही तो है क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट, उनकी तो कॉस्ट निकालनी होती है। मुझे पहले ये बात बताओ, क्या ये बात सब बच्चों को पूरी तरह समझ में आ गई है, पक्का एक एक पॉइंट पूरी तरह क्लियर है। चलिए आ जाए और मैं एक बेटा वीडियो उनको, आइए अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। कायदे से हमारी जो क्लास है वो इसके बाद शुरू होती है आज, लेकिन बहुत जरूरी है, मतलब ये भी क्लास का ही पार्ट है बेटे कि इसका रिवीजन हो साथ में। आइए अब अगर मैं आपसे ये कहूँ, बच्चों को सबसे ज्यादा उलझन पता किस बात में होती है, सुनिए जरा। अभी हमने जो एग्जांपल लिया वहां पर हमने क्या लिया, हमने सिर्फ रास्ते का नॉर्मल और एब्नॉर्मल लॉस लिया। अब सुनिए सारे बच्चे ध्यान से, किस तरह से बच्चे परेशान होते हैं बिना बात के, आप परेशान नहीं होते, सारी कहानी किस पे है, क्या सर पता उलझते हैं बच्चे बिना बात के, क्या सर हमारे यहाँ पे बुक में जो क्वेश्चन है, हाँ जी उसमें नॉर्मल लॉस तो पहले हुआ और सर ये एब्नॉर्मल लॉस बाद में हुआ, किसी क्वेश्चन में ऐसा होगा। वहीं बेटे दूसरे क्वेश्चन में क्या हो रहा होगा, सुनो ध्यान से, नॉर्मल लॉस सर बाद में हुआ, एब्नॉर्मल लॉस पहले हुआ रास्ते में,
बेटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे आंसर में। नॉर्मल लॉस हो चाहे एबनॉर्मल लॉस हो, मुझे तो एक ही चीज पता है, बहुत सिंप्लीफाई कर रखा है हमने इसे क्लास में। और विश्वास मानिए बुक में ना मतलब बच्चा ना उलझा रहता है, और एक ही सॉल्यूशन है बस सिंपल। बेटे जिस भी जगह पर नॉर्मल लॉस आए, क्या कहा मैंने बोलो, जिस भी जगह पर नॉर्मल लॉस आए उस जगह पर उससे जस्ट पहले वाले पड़ाव पर टोटल क्वांटिटी कम कर देंगे तुम्हारा काम। अब अगर क्वेश्चन में तुम्हारा दोस्त पूछेगा, देख लेना कभी तुम अपने दोस्त से डिस्कस करोगे ना इस चैप्टर को, यार वो वाले क्वेश्चन बड़े पंगे वाले। कौन से वाले? कि जब यहां पर पहले हुआ नॉर्मल और बाद में हुआ एबनॉर्मल, ये क्वेश्चन मेरे को बड़े दिक्कत कर रहे हैं। कभी ऐसा बोलेगा, कभी पता क्या बोलेगा, कभी बोलेगा नहीं 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 एक और क्वेश्चन था वहां पे, पहले हुआ था एबनॉर्मल और फिर हुआ नॉर्मल लॉस। मैं कह रहा बेटे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी कंसाइनी के गोडाउन से पहुंचने से पहले हुआ ना, बस एक ही काम करना है जो हमने करवाया, पहले वाले पड़ाव पे क्वांटिटियां कम कर देंगे नॉर्मल लॉस से, बस सब कुछ बिल्कुल डिक्टो सेम रहेगा हमारा आंसर। चाहे रास्ते में नॉर्मल को पहले करा लो, एबनॉर्मल को बाद में कराओ, चाहे एबनॉर्मल को पहले करा लो और नॉर्मल को बाद में कराओ। तो बताओ हमने क्या किया, नेक्स्ट पेज पर लिखो फटाफट से, और फिर हम एक और छोटा सा एग्जांपल करेंगे। लिखिए थ्योरी का कौन सा पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट नंबर 8 था ना, हाँ जी, तो पॉइंट नंबर 9 लिखिए फटाफट से। पॉइंट नंबर 9, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, पहले मैं उस हिसाब से लिखा दूं बेटे, एग्जाम में ये थ्योरी के लिए लिखने के लिए तो मुश्किल ही आएगा, पर मैं आपको पहले उस हिसाब से लिखा दूं जो आपको एग्जाम में अकाउंटिंग में दिक्कत नहीं आती। लिखिए ऐसे लिखना जैसे मैं लिखा रहा हूं, क्योंकि तुम्हें एक दिन पहले जब रिवाइज करना होगा तो तुम जल्दी लिखो, एक बात कुछ नहीं करना। बस पहले पड़ाव पर नॉर्मल लॉस वाली क्वांटिटी कम कर देनी है, सिर्फ क्वांटिटी हो गया जी ट्रीटमेंट एग्जाम के हिसाब से। सर अब इसको एग्जाम के हिसाब से बता दूं, अगर थोड़ी भी लिखने को आ जाए, आइए बेटे फॉर एग्जाम हाउ टू राइट नॉर्मल लॉस एंड इट्स अकाउंटिंग इन एग्जाम। मतलब अगर हमें टेक्निकल लैंग्वेज पढ़े और समझे नहीं तो कोई फायदा नहीं, जब आप समझ के उसको लिखोगे तो आपके अंदर से दिल से आवाज आएगी कि हाँ भाई ये इसी तरह के फ्लो में बात आनी चाहिए। आइए बेटा देखिए नॉर्मल लॉस, हेडिंग डालिए नॉर्मल लॉस एंड इट्स अकाउंटिंग।
और थोड़ा स्क्रीन दिखाइए ना पहले ऊपर वाला। देखिए बेटे नॉर्मल लॉस इज लॉस ऑफ क्वांटिटी इन क्वांटिटी विच इज अन अवॉइडेबल, जो अवॉइड नहीं किया जा सकता। हेंस ऑल्दो ऑल्दो कॉस्ट इज इनकर्ड फॉर टोटल क्वांटिटीज बट फॉर अकाउंटिंग इट इज एब्जॉर्ब बाय गुड यूनिट्स गुड यूनिट्स। There is no separate accounting. इसके लिए कोई अलग से अकाउंटिंग नहीं है। बेटा वीडियो ठीक है, अगला हेडिंग डालिए। अच्छा इसको मैं एक पॉइंट का नाम दे देता हूँ, पॉइंट नंबर 9 है तो पॉइंट नंबर 10 दे देते हैं हम। देखिए बेटे एबनॉर्मल लॉस एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखिए दिस इज लॉस विच इज अवॉइडेबल बाय taking necessary care। अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो भाई ये लॉस बच सकता है। इट इज वैल्यूड on same या in same manner or नहीं in same manner as closing stock। बिल्कुल उसी तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा इसमें एक चीज और लिख लो ऊपर वाले में, जहां पे ये है ना, जहाँ इट्स अकाउंटिंग है, ऊपर भी और नीचे भी हमको एक पॉइंट और याद आ गया, उसको भी लिखो। ऊपर वाले में लिखो नो इंश्योरेंस इज डन, नॉर्मल में, और यहां पर हम लिखेंगे इंश्योरेंस इज डन। एब्डोमेन में क्या लिखेंगे? इंश्योरेंस इज डन। इसके लिए क्या बेटे? इंश्योरेंस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट यहीं पे लिख देते हैं, पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11, लिखिए जी। स्टॉक रिजर्व, एक है हमारा स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व, लिखिए बेटा स्टॉक रिजर्व। देयर मे बी टू केसेस फॉर सेंडिंग गुड्स, ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, नंबर वन आइदर एट कोस्ट और एट इनवॉइस प्राइस, इनमें से किसी भी एक तरीके से गुड्स को भेजा जा सकता है बेटे, या तो कोस्ट पर या फिर इनवॉइस प्राइस पर। देखो ध्यान से मैं आपसे कुछ बता रहा हूं, कई बार क्या होता है कि जो आदमी ज्यादा पैसे कमाने लगता है ना, तो उसको अपनी चीजें कुछ ना थोड़ा सा दूसरों से हाइड करके रखनी पड़ती है ना, होता है ना कई बार ऐसे, आपने सुना होगा अक्सर फिल्मों में। हाँ फिल्म में भी ना कहीं थोड़ा सा तो आईना होती है समाज का हल्का फुल्का। जैसे मान लिया किसी आदमी के पास खूब पैसे है, लेट सपोज, तो ये कहते हैं कि भाई वो क्या करता है, चार तो बॉडीगार्ड लेके चलेगा है, उन पे खर्चा करेगा, देख रहे हो, तो ज्यादा पैसे खर्च हो गए तो क्या होगा, वो उन पे खर्चा करना शुरू कर देता है, गनर रखेगा, क्यों रखता है बताओ, उसको डर रहता है कहीं कोई हमला ना कर दे उससे पैसे लूटने के पर्पज से, या किसी ऐसे तरीके से कि जिससे कि उसके पैसे छिन जाए, है ना, उसका कोई धन धन हानि उसको ना हो जाए। तो बेटे चीजों को ना कई बार हाइड किया जाता है। अब कंसाइनर कंसाइनी को माल भेज रहा है और माल दूसरी जगह पे जाना है, सोचो जरा क्या इनको नहीं दिक्कत होती होगी इस तरह की। अगर ये पता चल जाए कंसाइनी को कि 100 रुपए की चीज ये 600 रुपए में बेच रहा है, पता है कंसाइनी अपना बिजनेस शुरू कर देगा, समझ रहे हो आप मेरी बात। अब मान लिया इसी की बात लेते हैं सार्थक की, वीडियो ऑन करो अंटूर सार्थक। अब मान लिया सपोज करो सार्थक ने बिजनेस स्टार्ट किया और सार्थक ने अंटू से टाई अप किया, अंटू कोलकाता में बैठे हैं इस टाइम पे, कि अंटू जी हम ना एक काम करते हैं,
आपके यहाँ पर ना हम लोग गुड्स बेचते हैं। सोच के देखो जरा, अगर ये पता चला, अंटू को ये पता चलता है कि ये 100 रुपए की चीज खरीद करके और 500 रुपए में बेच रहा है, तो दिमाग तो अंटू के पास में भी है भाई, है ना, तो वो भी यूज करेंगे। यार क्या क्या बात है, फिर तो मैं भी ये बिजनेस कर सकता हूँ, है ना। तो फिर मैं एजेंसी में क्यों रहूं, क्यों ना मैं भी खुद अपने आप में ओनर बन जाऊं। तो बेटे क्या होता है यहाँ पर, बिजनेस में कुछ चीजें ऐसे हाइड की जा सकती है कि ताकि अगले को पता ना चले। जैसे मान लिया अगर 100 रुपए की चीज इन्होंने खरीदी मिस्टर सार्थक ने, लेट सपोज, तो मैं कह सकता हूँ कोस्ट कितने की है बोलो, 100 रुपए की, और ये बिक कितने पे रही है, 600 रुपए पे। बेटा वीडियो ऑन करो सार्थक, तुम्हारी बात चल रही है। हाँ तो सार्थक ने 100 रुपए की चीज खरीदी और ये तो कह रहा है मुझे थोड़ा ना पूछ रहे हैं आज, मैं तो उधर को मुंह करके बैठा हूँ नलायक। आर्यन सामने देखो, पिछला एग्जाम्पल तुम्हारा था ना, हाँ अब देखो, अब इसका एग्जाम्पल है, इधर ध्यान दो। एक तो 2 दिन से गायब हो, है अकेले अकेले मौज ले रहे हो, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हो, बार बार ये और बता रहा है कि सर मैं तो बाहर जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, इसलिए नहीं आ रहा क्लास में, है इधर देखो। तो बेटे 100 रुपए की चीज है कोस्ट, पहला केस कि सार्थक और एंटो आपस में पूरी शेयरिंग है कि हाँ भाई 100 रुपए की चीज खरीद रहा हूँ, ठीक है, और 600 रुपए में तुम्हें बेचनी है। दूसरा केस, सार्थक को डर है कहीं अंटू जी अपना बिजनेस ना शुरू कर दे, तो ऐसे केस में सार्थक ने क्या कहा कि 100 रुपए पर 500 रुपए जोड़ करके अंटू को इनवॉइस प्राइस पर भेजा, कितना, 600 रुपए बताया कि 600 रुपए पर माल तुम्हें भेज रहे हैं और 600 पर ही तुम्हें बेच रहे हैं, हम कमा नहीं रहे, हम तो समाज सेवा कर रहे हैं बस। मतलब ऐसे केस में क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट जो बनाया जाएगा वो लोडेड प्राइस पे बनाया जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में जब सार्थक खुद हिसाब किताब लगाएगा तब तो लगाएगा ना कि जो क्लोजिंग स्टॉक अभी पड़ा हुआ है उस पर तो मैंने प्रॉफिट कमाया नहीं, कंसाइन मान लिया, कंसाइन जो कंटू जी है इस एग्जांपल में, उन्होंने बताया कि सार्थक जी आपका माल ना 6 लाख रुपए का माल गोडाउन में अभी भी पड़ा हुआ है, तो आप जब अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ तो आप ध्यान से बनाना ताकि आपका जीपी सही आए। तो सोच के देखो जरा, जो सार्थक कंसाइनर है यहाँ पर वो क्या करेगा, वो उसको तो पता है ना, उसने 6 लाख के अंदर 5 लाख रुपए तो प्रॉफिट ही जोड़ रखा है, तो क्या वो प्रॉफिट कमा लिया, नहीं, तो हिसाब किताब क्या लगाएगा कि मैंने इतना सारा माल भेजा, सब पे प्रॉफिट जो जोड़ करके भेजा, सारा प्रॉफिट थोड़ा ना कमा लेगा, जो माल बच जाएगा यानी उसका प्रॉफिट तो उसको हटाना पड़ेगा ना, बाकी को तो बोल पाएगा ना मैंने ही कमाया, है ना। सब बच्चे सोचो जरा, घर में अपने आप को मानो कि हम कंसाइनर है और हमारा जो भाई है या बहन है वो कंसाइनी है, हाँ देखो मैं एक दूसरे की तरफ देख रहे, हाँ देखो बेटे तुमने अपने भाई या फिर बहन को गुड्स भेजा, ठीक है ना, गुड्स भेजा और उनको ये नहीं बताया आपस में कि भाई मैं कितने रुपए कमा रहा हूं। अब तुम्हारे भाई या बहन ने बताया कि अभी तुम्हारा ना गोडाउन में 6 लाख का माल तो पड़ा हुआ है भाई, उसका प्रॉफिट तुमने कमाया नहीं है क्योंकि वो तो घर में पड़ा है, घर में रखा हुआ है, तुम्हारा प्रॉफिट मेरे ओवरऑल घर के हिसाब से तो कमाई नहीं होगी ना, तो जो भी तुमने हिसाब किताब लगा रखा होगा, जितना प्रॉफिट उस माल में जोड़ रखा होगा जो घर में पड़ा है अभी, उसको थोड़ा ना कमाई बोलोगे, उसी को बोलते हैं स्टॉक पर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट अभी हमें रियलाइज नहीं हुआ स्टॉक के अंदर जुड़ा हुआ है, इसी का नाम होता है स्टॉक रिजर्व। आइए जरा, तो मैं इसको बोल सकता हूँ देयर मे बी 2 केसेस ऑफ सेंडिंग द गुड्स। बेटे अगर कोस्ट पर ही भेज रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रॉफिट जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अगर तुमने छुपा रखी है बात और कोस्ट में प्रॉफिट लोड करके तब इनवॉइस कर रखा है, यानी कि अगली लाइन लिखो, इन केस ऑफ सेंडिंग गुड्स टू कंसाइनी एट इनवॉइस प्राइस देयर इज नीड ओके सबका यहां तक, देयर इज नीड, आइए जी,
किस बात की नीड है? टू रिमूव, टू रिमूव द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट फ्रॉम टोटल टोटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एडेड व्हाइल गुड्स वर सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कि भाई जब गुड्स भेजे गए थे कंसाइनमेंट पे, उस टाइम पे जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जोड़ करके भेजा था, तो वहां से उस वाले प्रॉफिट को घटाने की जरूरत है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को घटाने की जरूरत है। किस क्यों? टू कैलकुलेट द रियल रियलाइज्ड प्रॉफिट, सच्ची मुच्ची का जो रियलाइज प्रॉफिट है वो कमाने, वो जानकारी करने के लिए कि हाँ सचमुच में हमने पूरे घर में ओवरऑल क्या कमाया। उसके लिए जरूरी है जो माल अभी घर में पड़ा हुआ है उसका प्रॉफिट हटा दो। मान लिया कोई दुकानदार है, दुकान में आपको पता है, मान लिया हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने अमूल का ऑडिट कर रखा है, अमूल कंपनी का हमने ऑडिट किया हुआ है, मोदीनगर में है इधर एक प्लांट, एक दिल्ली में जनकपुरी में है, गाजियाबाद वाले भी अमूल का ऑडिट हमारे पास में था, मैं ही उसका कॉन्करेंट ऑडिटर था, पिछले 2 साल पहले हमने छोड़ा है। बेटे हम लोग हिसाब किताब लगाते थे कि अमूल का जो प्रॉफिट है, बहुत अच्छे से हम लोग कैलकुलेट देखते थे वहां पे, उनकी जो क्वांटिटीज है काउंट करते थे, एक बड़ा सा ड्राम होता है जिसके अंदर दूध डाला जाता है, उसमें से बहुत सारी चीजें फैट स्नप वगैरह वो सब अलग की जाती है, फिर उनको छोटी छोटी ठेलियों में पैक किया जाता है, डबल टोन टोन वगैरह। तो उसमें क्या होता है कि हम हिसाब लगा रहे थे, एक बार देख रहा था मैं, ऐसे सोच रहा था, मैंने कहा यार इसके पास तो बहुत सारा दूध पड़ा हुआ है, ये तो बहुत पैसे का बहुत प्रॉफिट है। मान लिया उस वक्त में 4 लाख थैलियां पड़ी हुई है दूध की, सोच के देखो जरा, आज जो थैली एक आती है शायद 28 रुपए की आती है, नहीं 28 रुपए की एक थैली आती है आधी किलो दूध। तो मैंने कहा भाई 28 × 4 लाख, मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है भाई, इसका मतलब मैंने कहा ये तो भाई 1 करोड़ 12 लाख का तो गुड्स मेरे सामने पड़ा हुआ है, मैंने कहा इसके अंदर इसका प्रॉफिट तो बहुत होगा। आप बताओ क्या वो प्रॉफिट कमा लिया अमूल ने? है ना, अभी तो नहीं कमाया ना, क्यों? क्योंकि वो थैलियां तो अभी वहीं पर पड़ी हुई थी, हम लोग खुद काउंट कर रहे थे वहां पर स्टॉक उनका, हर मंथ में उनका स्टॉक काउंट होता था, तो हम लोग काउंट कर रहे थे उनका स्टॉक इतने का है जी। अब उसके अंदर मैं हिसाब लगा रहा था, खुद देख रहा था, मैंने कहा भाई इसका किसकी कॉस्ट कितने की है? खैर वो थोड़ा डाटा सीक्रेट होता तो यहाँ पे क्लास में नहीं बताऊंगा, क्योंकि एथिक्स अलाउ नहीं करते, लेकिन एक अंदाजन मैं आपको बोल रहा हूँ, 1 करोड़ 12 लाख का मैंने कहा ये है, मान लिया इसके अंदर जो प्रॉफिट है लेट सपोज 60 लाख का प्रॉफिट है, मैंने कहा तो गजब कर रखा है इन्होंने, 60 लाख का प्रॉफिट है इनको, तो 60 लाख का प्रॉफिट हो गया। बताओ मैं बोल सकता हूँ क्या हो गया? अभी थोड़ा बोल दूंगा, क्योंकि अभी तो वो स्टॉक यहीं पे पड़ा हुआ है ना, तो अभी मैं उसको बोलूंगा ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। जिस पर अगर मान ले आज ही सारी थैलियां वेस्ट हो जाए तो क्या होगा बताओ? क्या वो प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा? मतलब ही नहीं। तो इसीलिए बेटे उस प्रॉफिट को ना अभी काउंट नहीं किया जाता। तो ये जो चीज है, इस प्रॉफिट को हम घटाएंगे, क्यों घटाएंगे? ताकि हम निकाल सके कितने का प्रॉफिट रियलाइज है। तो जरा देखिए ये जो कंटेंट है जिसको हम कहते हैं अभी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, लेकिन ये कभी हो कब होगा? जब गुड्स इनवॉइस प्राइस पे सेंड किया जाएगा, यानी अगर कॉस्ट प्राइस पे गुड्स सेंड किया हो तो नहीं, है ना, सिर्फ तब आएगा जब कंसाइनी के यहाँ पर इनवॉइस प्राइस पे किया गया। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, दिस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट is called stock reserve। इसी को तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? stock reserve। ठीक है जी, आइए जी
अब हम क्या करेंगे, अब हम फटाफट से एक अकाउंट का फॉर्मेट हम लोग लिखेंगे, हम लोग फटाफट से एक अकाउंट का फॉर्मेट लिखेंगे। आइए जी, तो नेक्स्ट पेज पर आप हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डालिए अकाउंटिंग और इसके ऊपर हेडिंग डालिएगा पार्ट टू। याद है सबसे पहले चार्ट में मैंने क्या लिखाया था, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट टू लिखिए फिर यहां पर, न्यूमेरिकल्स यहां बेटा हेडिंग डालना अकाउंटिंग के, उससे हेडिंग डालिए इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और इधर क्या बेटा इन द लेफ्ट पेज और राइट पेज दोनों अलग अलग पेज रखना, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। कोई बात नहीं, अगर एक पेज पे भी कर लिया तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा छोटा लिखोगे तुम लोग, नहीं तो फिर है ना, अगर किसी पास मौका हो तो आप अभी लेफ्ट और राइट पेज कर लो तो थोड़ा सा आपको और ज्यादा आसानी रहेगी आगे जाकर भी। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, आइए जरा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर की बात करते हैं। केस नंबर ए, गुड्स आर सेंट एट कोस्ट, ठीक है, अगर गुड्स सेंड किए जाए किस पे, कोस्ट पे, तो कंसाइनमेंट अकाउंट कैसा बनेगा जी? कंसाइनर की बुक्स की बात हो रहे हैं, कंसाइनर की बुक्स की बात हो रही है बेटा, और ध्यान रखना सिर्फ कंसाइनमेंट अकाउंट में फर्क पड़ेगा, कंसाइनी अकाउंट में नहीं। यानी कि कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनर अपने आप कौन से अकाउंट बनाता है, कंसाइनर दो अकाउंट बनाता है, एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट और एक कंसाइनी अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट किस चीज का रोल निभाता है, प्रॉफिट निकालने के लिए, ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग अकाउंट का रोल निभाता है, छोटा सा ट्रेडिंग। तो यहाँ पर दो तरीके हैं, पहला केस अगर हमने गुड्स भेजा किस पे, कोस्ट पे है, यानी कि बिना लोडिंग किए, दूसरा केस कि हमने गुड्स भेजा है लोडिंग करके, यानी कि इनवॉइस पैक्स पे। तो मैं यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट के दो टाइप बनाऊंगा, लेकिन कंसाइन अकाउंट एक ही टाइप होगा, वो दोनों में काम करेगा, चाहे गुड्स सेंड कर रहा हो कोस्ट पे और चाहे गुड्स सेंड कर रहा हो इनवॉइस प्राइस पे। आइए बेटे लिखिए यहां पर हेडिंग डालिए कंसाइनमेंट अकाउंट। आइए मैं चाहूं तो बेटे इसको एक में ही करवा सकता हूं, लेकिन टाइम आपका ना थोड़ा सा इस तरह से यूटिलाइज हो कि आपको दोबारा टाइम कभी ना लगाना पड़े इसमें, इस तरह से पड़े। आइए जी, सबसे पहले देखो क्या हो, ट्रेडिंग अकाउंट की तरह, बिल्कुल बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट मान के चलो, मतलब आप समझ लो जैसे ओपनिंग स्टॉक होती है, परचेज होती है, ये सब चीजें, ठीक है। एंट्री करो सबसे पहले क्या बेटे, ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग में क्या आता है, सबसे पहले देखो ओपनिंग स्टॉक, पता है ये सारा का सारा किस पे है, कोस्ट पे, क्योंकि माल कोस्ट पे भेज रखा है, कंसाइनी के यहाँ पर जो माल पड़ा हुआ है वो ओपनिंग कितना माल पहले से पड़ा हुआ है और कितना माल अभी अभी हमने वहां पे भेजा है, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इधर की तरफ सारे सारे क्या बेटे खर्चे आ रहे हैं, बिल्कुल ये समझ लो छोटा ट्रेडिंग अकाउंट है, बिल्कुल।
कोई भी चीज इसमें ऐसी नहीं है कि जो हमें समझ में ना आए, छोटा ट्रेडिंग अकाउंट की तरह है। ठीक है जी, और क्या है जी, और सोच के देखो बेटे, कोई भी खर्चा हुआ तो बताओ बेटे डायरेक्ट एक्सपेंस यहीं पे आएगा कि नहीं आएगा, बोलो पक्का, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा बोलो। तो जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस है बेटा, ये गुड्स किस पे आएगा, ऑफ कोर्स कॉस्ट पे। ठीक है, जो भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है वो भी यहाँ पे आएगा, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका उसका अलग है, मैं अभी नहीं बता रहा, अभी मैं आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की झलक दिखा रहा हूं उसमें। ठीक है, बाद में बताओ बेटे क्या होता है। इधर यहां पर बाय सेल, बोलो यही तो आता है, सीधी सी बात है, बाय सेल ये किस पे आएगी बताओ बेटे। सेल देखो, खर्चे तो खर्चे हैं, कॉस्ट ही तो है एक तरह की खर्चा भी, सेल किस पे आएगा बेटे, आप कोर सेल्स प्राइस पे। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होता है, देखो नॉर्मल लॉस होता है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं, लेकिन अगर कोई एबनॉर्मल लॉस होता है तो क्या होता है जी भाई, हम उसको परचेज में से घटाते हैं, या यहाँ पर परचेज कहाँ पे बैठी हुई बताओ, कंसाइनमेंट पे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट पे, है ना, तो हम कहाँ से घटाएंगे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में। या दूसरा तरीका है कि इसको यहाँ से घटाने के बजाय बेटा दूसरी तरफ लिख दो, बाई एबनॉर्मल लॉस, पक्का। अभी मैं जो आपको रिपोर्ट करा रहा हूं ना, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग करा रहा हूं, यहां पर कुछ वर्ड्स मैं चेंज करूंगा बाद में, पहले आपको समझा दूं, है ना, आप नोट जरूर करें इसे, ये मत कहना कि सर हम नोट करें ना करें, नोट जरूर कर दिए, ये बिल्कुल क्या है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग कि हाँ भाई ये ट्रेडिंग अकाउंट में सारी जो बातें हैं वो सब यहाँ पे आ रही है, ट्रेडिंग ही तो है, छोटा ट्रेडिंग। आइए जी, एबनॉर्मल लॉस के बाद में बेटे अब अगली बात बताओ बेटे, क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, बाई कंसाइनमेंट स्टॉक, या मैं कहूँ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बोलो, कंसाइनमेंट स्टॉक बोलो, यहाँ पर एक ही बात है, क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट है, देखो आपके सामने किस पे आएगा, कोस्ट और एनआरवी विचेबिलेंस, फिलहाल मैं यहाँ पे कोस्ट लिख रहा हूँ। चलिए जी, यहाँ तक बात ओके है, तो इसका नॉर्मल लॉस है बेटा, नॉर्मल लॉस नहीं, नॉर्मल उसका ट्रीटमेंट नहीं होता ना बाबू, मैंने कहा ना वो तो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। बताओ बेटे डिफरेंस क्या आएगा यहाँ पर, डिफरेंस आएगा यहाँ पर प्रॉफिट, बोलो ये क्या है, एक तरह से जीपी तो है। पहले बताओ बेसिक थीम पूरी क्लियर है सब बच्चों को, अब मैं यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट डालूंगा जैसे कमीशन वगैरह। हाँ बेटा बोलो, महक कमीशन पूछने वाली थी क्या? यस सर। तो बताए अंटू, बोलो बेटा। सर ये एबनॉर्मल लॉस तो कॉस्ट प्राइस में ही तो रिकॉर्ड होगा ना? बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी गुड, कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी सर, अगर सेल्स रिटर्न वगैरह हुआ तो माइनस होगा? आर वेरी गुड, सेल्स यहां पर आएगी ही नेट, देखो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात बोली आपने बेटा। क्या कंसाइनर कंसाइनी को जो माल भेज रहा है, कभी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गुड्स ऐसा हो कि जो कंसाइनी को वापस भेजना पड़ जाए, वो उस स्टैंडर्ड का मंगाया था कुछ और बेचने के लिए, भेज कुछ और दिया, तो भाई फिर तो वापस जाएगा ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अपोजिट साइड में है रिटर्न के लिए। अभी नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि मैं ना आपकी बेसिक थीम जो ट्रेडिंग वाली है वो यहाँ पे डेवलप करना चाहता हूँ। अभी मैं यहाँ पर सेल्स रिटर्न डालूंगा, देखो सेल्स रिटर्न डालने की जरूरत नहीं होती, नेट सेल आ जाती, उसका मतलब ये है। अभी मैं यहाँ पर कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस करूंगा, पर पहले एक बेसिक थीम फिट हो जाए आपके माइंड में, आप इस बात को नकार ना सके कि ये ट्रेडिंग अकाउंट है। ये बात पूरी तरह क्लियर है बच्चों? चलिए फिर, किस टाइम क्लास शुरू हुई थी हमारी? 7:09 बजे शुरू हुई थी ना। चलिए तो मैं अभी 10 मिनट की क्लास खोल लूंगा, ताकि हमारा जो स्टैंडर्ड है क्लास का वो 1.5 घंटे वाला जो स्टैंडर्ड है वो कंप्लाई होता रहे। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब सुनो बच्चों, मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चेंज डालूंगा बेटा, ये एंट्रियां आती हैं लेकिन अलग नाम से आती है, कैसे? आइए, कंसाइनमेंट अकाउंट ऐसे बनाया जाता है
बिल्कुल डिक्टो सेम, और मैं यहां पर कुछ वर्ड लिखूंगा चेंज वर्ड, और उसको मैं एंट्री वाइज आपको बताऊं। अब जैसे इसकी तो बताने की जरूरत नहीं है कि ओपनिंग स्टॉक जो है कंसाइनमेंट में वो कोस्ट पर है, इस बात को बताने की जरूरत नहीं है, कोस्ट है ना भी जो भी है ओपनिंग बैलेंस है, पिछले साल का जो विच एवर लेस है वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस है ओपनिंग स्टॉक। जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है वो किस पे बेटे, कोस्ट पे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ये भी बेटे कोस्ट पर है, अभी मैं लोडिंग की तो बात कर ही नहीं रहा। जब यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंस की बात आएगी, किसकी बात आएगी बेटे, डायरेक्ट एक्सपेंस की, तो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर बेटे दो तरह के खर्चे होते हैं, एक वो जो कंसाइनर कर रहा है और दूसरा वो जो कंसाइनी कर रहा है। अगली बात जो मैं कहूंगा तो मे बी कि आप कॉन्सेप्ट मिस ना कर जाए, आप थोड़ा सा फोकस रहना। एक छोटी सी चीज है बेटे, कंसाइनी जो गोडाउन के खर्चे कर रहा है, कंसाइनी जो गोडाउन के खर्चे कर रहा है वो किस लिए है बताओ, वो भी कंसाइनमेंट के लिए है ना, तो जो कंसाइनी ने खर्चे किए हैं इनडायरेक्ट, मैं ये कह रहा हूं बेटे वो भी यहां पर आते हैं। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और वो सिर्फ और सिर्फ कंसाइनी की तरफ से होते हैं, कंसाइनर्स करता ही नहीं है इनडायरेक्ट यहां पर, उसमें तो कंसाइनमेंट की वजह से जो खर्चे हो रहे हैं वो सारे के सारे एक तरह से भले ही फिक्स कॉस्ट क्यों ना हो वो बिकॉज ऑफ कंसाइनमेंट है। इसलिए कंसाइनमेंट करने की वजह से जो भी हमारा हिसाब किताब निकल रहा है वो सारे खर्चे कंसाइनमेंट में ट्रांसफर करें। कंसाइनमेंट करके क्या कमाया वो तो तभी आएगा ना जब सारे खर्चे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक जीपी वर्ड नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रॉफिट वर्ड, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा ये कहे सर ये तो जीपी जो है जीपी नहीं रहा फिर तो, क्योंकि इनडायरेक्ट कॉस्ट इसमें आ गई, कोई बात नहीं आप ऐसे समझ लो है तो प्रॉफिट ऑफ कंसाइनमेंट ना, प्रॉफिट फ्रॉम कंसाइनमेंट। लेकिन जब थोड़ा सा आप बड़े हो गए तो आप खुद ही समझोगे कि हाँ भाई सचमुच में यहाँ पर जो है ये खर्चे डायरेक्ट की ही कैटेगरी में आते हैं कंसाइनमेंट के लिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ कंसाइनमेंट है। सोचो जरा गोडाउन किस लिए लिया गया, इसी के लिए लिया गया, सारे खर्चे बिकॉज ऑफ कंसाइनमेंट है, इसलिए बेटे आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। एनीवेज आइए जरा, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखने का एक तरीका है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, कौन बना रहा है बताओ खर्चे का हिसाब किताब, कंसाइनर। कंसाइनर यहाँ पे क्या लिखता है, जो एक्सपेंस पे किए कंसाइनर ने उनको लिखेगा टू बैंक, डायरेक्ट एक्सपेंस वर्ड ब्रैकेट में आएगा, कंसाइनर ने जो खर्चे किए उसको बोलेगा टू बैंक, जो खर्चे कंसाइनी ने किए डेबिट और एक्सपेंसेस क्रेडिट द गिवर, बेटे कंसाइनी ने किए, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंस किए चाहे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस किए, जो भी कंसाइनर के बिहाफ पर कंसाइनी ने खर्चे किए वो सारे के सारे यहाँ पर आएंगे। लेकिन इस तरह से नहीं जैसे मैंने अभी ऊपर बताया आपको, ऊपर तो मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपकी एक थीम डेवलप हो, ठीक है ना। असलियत में कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा जो बनेगा वो कैसे बनेगा बेटे, वो ऐसे बनेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है ना। अब आप में से कई बच्चों को दिक्कत हो सकती है यहाँ पर समझने में, तो मैं उनके लिए जनरल एंट्री बना रहा हूँ। देखो ये जनरल एंट्री जो मैं बनाऊंगा ये कहीं नहीं लिखी हुई है, आपको ध्यान देना है इधर, ठीक है। देखिए जरा देखिए, क्या कौन कौन से लोडिंग एक्सपेंस है ना, लोडिंग एक्सपेंस भाई, पहले एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सपेंसेस बाय कंसाइनर की मैं बात कर रहा हूँ। एंट्री क्या होगी, लोडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट बेटा फ्रेट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंस हो जो कंसाइनर ने पे किए, डायरेक्ट एक्सपेंसिस बाई कंसाइनर,
टू बैंक। अब ये खर्चे ट्रेडिंग या प्रॉफिट लॉस जहां भी जाने वहां जाएंगे। अब कंसाइनमेंट को आप ट्रेडिंग मानते हो, ट्रेडिंग मान लो, पीएनएल मान लो, पीएनएल मान लो, जो तुम्हारा मन करे, तो वो ट्रांसफर तो वही होंगे ना। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, टू लोडिंग एक्सपेंस, टू फ्रेट एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस। तो हमारा जो स्टडी मेट फॉलो कराता है वो शॉर्टकट फॉलो कराता है। वो क्या करता है, इन दोनों की कंपाउंड एंट्री लिखता है कंसाइनमेंट अकाउंट। बताओ इन दोनों का अगर तुम क्रक्स निकालोगे, कंपाउंड एंट्री करोगे, तो क्या निकल के आएगी बोलो? मैं बोल सकता हूं कंपाउंड एंट्री, क्या निकल के आएगी जी? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बेटे ये एंट्री फॉलो की गई है कंसाइनमेंट वाले चैप्टर में। कंसाइनमेंट वाले चैप्टर में बेटा ये वाली एंट्री फॉलो की गई है बच्चों। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये बात समझ में आ रही है। गया देखिए बेटा ये बात है जो यहां पर फॉलो की गई है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। आओ जी अजय और सार्थक प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। अब जर्नल एंट्री दूसरी है बेटे, नेक्स्ट वाली जर्नल एंट्री। एक्सपेंसेस चाहे वो बेटे डायरेक्ट हो या हो इनडायरेक्ट, पेड बाय कंसाइनी। क्या कह रहे हो, वेटिंग लिस्ट में जाना चाहते हो, वीडियो नहीं करोगे? ये देखो आज ने तो कर दी। आज सार्थक बेटा लो जल्दी से लिखो। नंबर वन एक्सपेंसेस कौन कौन से बेटे, डायरेक्ट एक्सपेंस। सार्थक बेटा वीडियो ऑन करो, सार्थक जल्दी। डायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और बेटे इनडायरेक्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। बताओ बेटे रूल क्या लगा, डेबिट और एक्सपेंसेस पेड द गिवर। कंसाइनर के खर्चे किसने पे किए, कंसाइनर ने खर्चे किए। टू कंसाइनी, बेटे फिर क्या होगा, ये खर्चे कहां जाएंगे बोलो, ट्रेडिंग में, और ट्रेडिंग का नाम यहां पे क्या है, कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू डायरेक्ट एक्सपेंस और बेटा टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनके लिए कंपाउंड एंट्री देखो क्या बनेगी, यहां पे टू बैंक नहीं आएगा जी कंपाउंड में, समझे बच्चों? इनका जरा कंपाउंड करना, तो यहां पर जो इनकी कंपाउंड एंट्री बनी वो बनी बेटे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी।
कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। बेटे अगली बात चलें आगे, ये बात ओके है। चलिए अब अगली बात पे चलते हैं बेटे। ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर हमने लिखा ना यहाँ पे सेल, थोड़ा अजीब सा लगेगा, सेल भी नहीं लिखते यहाँ पर, लेकिन आता है यहाँ पे सेल ही। बेटे बताओ वो पैसे किसके पास में है? कंसाइनी के पास में है। बाई कंसाइनी, तो कंसाइनर को अगर कंसाइनी ने इंफॉर्मेशन दी जी माल बिक गया, तो कंसाइनर क्या पूछेगा, अगला क्वेश्चन क्या होगा, पैसे आ गए क्या? फिर कंसाइनी ने कहा हाँ जी कैश में बिका, ठीक है मतलब पैसे आ गए ना कि हाँ जी, तो बताओ कंसाइनी को ही तो हम पकड़ के डेबिट करेंगे ना ऐसे केस में, पैसे तो उसी के पास है ना। सेल की अमाउंट आएगी लेकिन किस तरह से आएगी बेटे, कैश सेल्स के केस में, कैश सेल्स के केस में हम लोग क्या करेंगे, कंसाइनी को डेबिट करेंगे। बेटे लॉजिकली मैं बात लिखाऊंगा और मैं भी एंट्री लिखाऊंगा, डोंट वरी मैं एंट्री लिखाऊंगा, ऐसे थोड़ा ना, एक एक चीज बिल्कुल सॉलिड करनी है तुम्हारे साथ मेहनत करके। कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट किया जाएगा कब, जब कैश में सेल होगी। आइए ये किस चीज की कंपाउंड एंट्री है देखिए, देखिए बेटा जनरल एंट्री, देखिए फोर कैश सेल्स बाय कंसाइनी, कंसाइनर के नजरिए से सोचना है, तुम हो कंसाइनर, तुमने किसी को एजेंट रखा हुआ है, उसने सेल कर दी, ठीक है तो तुम क्या एंट्री करोगे बताओ बेटे, पैसा तो उसी के पास में है ना, तुम क्या एंट्री करोगे, डेबिट द रिसीवर कंसाइनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा तो उसके पास में, हम ये नहीं बोल सकते डेबिट बट कंसिल, हमारे पास आया थोड़ा है, कैश में सेल्स होने पर कैश या तो हमारी जेब में आए तब हम बोलेंगे डेबिट बट कंसिल, लेकिन ये कंसाइनमेंट की कैश सेल्स है जहां पर पैसा कैश किसके पास है, कंसाइनी के पास है, तो हम क्या बोलेंगे, डेबिट द रिसीवर। आर्यन सामने रसोई में देख रहा होगा, इधर आ सामने देख, कंसाइनी अकाउंट डेबिट, सार्थक तो कर ही आया काम, दो मिनट के लिए कैमरा बंद करके भागा भागा क्या और ले आया, प्लेट नीचे रखी होगी मुझे बताया रहने थे। अच्छा कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बताओ बेटे कंसाइनी को थोड़ा ना माल बेचा, लेकिन डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगली बात बेटे क्या, सेकंड वाली बात बेटे बताओ, सेल्स कहां पे ट्रांसफर होती है, सर सेल्स तो ट्रेडिंग में ट्रांसफर होती है, और बेटे ट्रेडिंग का नाम यहाँ पे क्या है, कंसाइनमेंट है, अभी एंटू मैं अभी बात करूंगा, बस एक बार इसको पूरा कर दूं, तो बेटे दोनों की कंपाउंड एंट्री क्या होगी, सेल्स से सेल्स कट जाएगा, एंट्री बचेगी कंपाउंड एंट्री बचेगी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। चैप्टर बहुत आसान है जी, बस थोड़ा धीरे धीरे करने की जरूरत है। पूछो बेटा अंटू। सर मैं पूछ रहा था, अगर मान लीजिए कंसाइनी, हाँ कंसाइनी अगर कोई माल कैश में सेल करते है तो ये सेलर किसके बैंक अकाउंट में पैसा जमा करेगा, कंसाइनर के अकाउंट पे या कंसाइनी के अकाउंट पे? देखो कंसाइनी उनसे पैसा लेके रखता है, सीधी सी बात है, ठीक है, तो कंसाइनी अपने पास में उसको कलेक्ट करता है, सीधी सी बात है, ठीक है, और फिर वो पेमेंट किसको करता है, कंसाइनर को करता है, बाकी कंसाइनर और कंसाइनी की आपस में अंडरस्टैंडिंग है, वो सीधा वहीं पे पेमेंट करवाता है क्या, अगर ऐसा करवाता है फिर तो ये माना जाएगा माल बिका और कैश कंसाइनर के पास पहुंच गया, ठीक है, लेकिन तब भी एंट्री यहां पर ऐसे ही होगी, फिर उसको अलग से कंसाइन अकाउंट में दिखाया जाएगा बाय बैंक कि भाई हाँ उससे पैसा आया है, ठीक है अंटू आइए।
तो मैं मान रहा हूँ ये वाली बात सब बच्चों को क्लियर है। आओ बेटे फटाफट से बताओ ये हमने कहाँ पोस्ट कर दी, बताओ बाई कंसाइनी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। बेटे उधार सेल्स, मजे की बात देखो, अब उधार सेल में क्या होगा सर, चलो कैश में तो समझ में आ गया कि कैश कंसाइनी के पास में, अब बताओ मैंने कहा अगर उधार सेल है तो हमें यहाँ पर एक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्या उधार सेल के केस में, आइए आगे लिखे जनरल एंट्री, मन तो मेरा कर रहा है अभी करा दूं क्या, चलो तुम कह रहे हो तो मैं करा ही देता हूं, देखो जनरल एंट्री हेडिंग डालो, इन केस ऑफ, क्या कहा मेरे बेटे, इन केस ऑफ क्रेडिट सेल्स, इन केस ऑफ क्रेडिट सेल्स। अब बेटे डिपेंड करेगा कि यहां पर क्या हो रखा है, उसको ठेका दिया हुआ है क्या, उस चीज का ठेका समझते हो, और वो नहीं जो तुम समझते हो ठेके का मतलब क्या होता है, हाँ वो नहीं, ठेके का मतलब होता है उसको जिम्मेदारी दे रखी है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है आर्यन बड़ा सा ठेके के नाम पे, हाँ सब ठीक है आर्यन भाई, चलो मजे वाली बात है, कभी तुम सचमुच में नाराज हो जाओ कि सर भी कैसी बातें करते हैं, शैतानी करने होते हैं ना, नींद उतारती रहे सार तक, देखो मजे ले रहा है आज अभी, वो क्या कर रहे हो तुम लोग कैमरा बंद करके, जल्दी जल्दी ऑन करो बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहां सावधानी हटी मतलब दुर्घटना पूरी 101% घटी। अजय और सार्थक कह रहे हैं कि प्लीज सर हमें वेटिंग रूम में भेज दो ना, आओ जी पहला केस, अगर उसको हमने ठेका दे रखा है, मतलब अगर हम डेल क्रेडियर कमीशन भी दे रहे हैं कि भाई जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम ही पैसा कलेक्ट करा के दोगे, है ना बेटे, तो मजे आ गए, तो हम तो ये मानेंगे भैया कंसाइनी हमें नहीं पता, जब हम तेरे को कमीशन दे रहे हैं हम तो ये मानेंगे पैसा तेरे पास में, सीधी सी बात है बेटा, ये सेम एंट्री होगी ऐसे कैसे, सेम क्या एंट्री होगी, कंपाउंड एंट्री लिख दो सीधा सीधा, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, सेम एज कैश सेल्स की तरह से एंट्री होगी ऐसे केस में बेटा। और अगर बेटे डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दे रहे हैं, देखो अदरवाइज का मतलब अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दे रहे हैं, डेल क्रेडिटर कमीशन किस बात का था कि भाई क्रेडिट सेल से पैसा भी तुम्हें कलेक्ट कराना है, हम तो तुमसे लेंगे हमें नहीं पता, लेकिन अगर ये कमीशन नहीं दिया जा रहा है तो ऐसे केस में बेटे कंसाइनर खुद जिम्मेदार है उनसे पैसा कलेक्ट करने के लिए, और एंट्री क्या होगी, जब सेल होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जो हमेशा से होती आई है, और अगली एंट्री क्या होगी, सेल को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करें, ट्रेडिंग का नाम यहां पे क्या है, कंसाइनमेंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, है ना बड़ा सिंपल, देखो कितना आसान है चीजों, मतलब बहुत ही ज्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसमें बिना बात के मुनस्ते, अगर हम ये एंट्री पढ़े बिना बस वो लेजर पढ़ ले सीधा, टू बैंक कर दो, बाई कंसाइनी कर दो, बाई डेटर कर दो, बताओ इसकी कंपाउंड एंट्री क्या होगी, भाई सेल से सेल कट जाएगा, बच क्या जाएगा कंपाउंड में, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, ये हो जाएगा जी ऐसे केस में। चलिए मैं आगे नहीं बढ़ाता अभी, कहीं ऐसा ना हो कि बात ऊपर से निकल जाए,
महक कुछ पूछना चाह रही है, पूछो बेटा महक। पेपर में जर्नल आ सकती है? पेपर में जर्नल एंट्रीज आ सकती हैं? कुछ भी आ सकता है बेटे। एक बार तो ऐसा हुआ था एग्जाम में फाउंडेशन इंटर और फाइनल लेवल पे जर्नल एंट्री पूछ ली थी। अब जैसे पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, एडमिशन रिटायरमेंट है, और वहां पे अगर जर्नल एंट्री पूछे तो आधे से ज्यादा बच्चे ना हिल जाएंगे, पर तुम लोगों को नहीं हिलना। स्टेप नंबर वन नया रेशो, एंट्री होगी क्या? कुछ भी नहीं एंट्री होती। स्टेप नंबर टू रिजर्व सरप्लस बांटने की, जनरल एंट्री लिख दो। स्टेप नंबर थ्री रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में एंट्री लिख दो। स्टेप नंबर फोर रिवैल्यूएशन, जो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप करा रहे हो ना, एंट्री भी वैसे लिख देना वहां पर। खैर, तो ये तो बात रही तुम्हारी डाउट की कि सर एग्जाम में जनरल एंट्री आती है क्या। बिल्कुल पॉसिबल है जी, पूरी तरह पॉसिबल है। अच्छा अंटू कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछो अंटू। सर मेरा तो कल का जो क्लास छूट गया था, वो आज शाम को 4 बजे कर सकते हैं क्या? नहीं, आपको करना है बैकअप, मैं अभी लगा देता हूँ। सर अभी तो नाश्ता वगैरह कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, अरे तो आराम से वीडियो देखते रहे ना, आराम से खाते पीते करना, जैसे फिल्मों में पॉपकॉर्न देख के आराम से देख रहे। अभी इन बच्चों को भी क्लास शुरू होने वाली है अभी 10 मिनट के बाद में, पार्टनरशिप पे आगे का लेक्चर। ये बच्चे मेहनत कर। अच्छा, मेरे को तो कल का जो क्लास मिस हुआ कंसाइनमेंट वो करना है। चलो मैं आपके लिए दिखाऊंगा अभी, ठीक है ना? हाँ बेटा, आधे घंटे बाद पार्टनरशिप लगा देना। हाँ हाँ, मैं 10:30 11 बजे ही लगाऊंगा, मुझे पता है, क्योंकि वो ना फिर ना आपको दिक्कत होगी। कंसाइनमेंट वाला क्लास भी 11:30 बजे चालू करना, ठीक है? पक्का। आर्यन और अंटू, आप दोनों का बैकअप अलग चलेगा। ये वाला पिछले वाला कंसाइनमेंट देखने। हाँ पूछो। सर मुझे तो जरूरत नहीं, आपने समझा दिया, बस मुझे पीडीएफ भेज देना। ओके जी, चलो मैं भेज दूंगा बेटा, मैं भी ग्रुप में डाल देता हूँ, चिंता मत करो। अच्छा, अब मतलब बैकअप अलग से तुम लेना उसका? नहीं सर, नहीं। अच्छा अंटू, लगानी है आपके लिए क्लास कल वाली? हाँ सर, मेरे को देखना है एक बार। अच्छा ठीक है, तो मैं अभी लगा दूं अंटू? सर 11:30 बजे लगाएंगे तो अच्छा होता। चलो ठीक है, तो अच्छा ही करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। तो आज का अपना वादा है बेटे आपका, बाकी बच्चों का है ना, याद है ना, हमें आज 2 क्लास करनी है पार्टनरशिप की, 1-1 घंटे वाली। मैं 11:30 बजे चलूंगा। चलिए ओके बच्चों, बाय बाय। बाकी बच्चों को बोल देना, सिस्ती को बोल देना, तो आर्यन स्वयं वगैरह है ना, बाकी बच्चों को बोल देना। ओके बेटा।